ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का थर्ड लेक्चर। हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था सेक्शन 122, जिसके डिफरेंट डिफरेंट तीन सब सेक्शन है, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3। हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था सेक्शन 123, 124, 125, 126। आज का हमारा फोकस है 127 ऑनवर्ड्स। फ्रेंड्स ट्राई करेंगे 127, 128, 129 को कवर करने का। फ्रेंड्स चलो एक बार फास्टेस्ट रिकैप्चुलेशन हो जाए, बाद में आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे। सेक्शन 122 जो अलग अलग ऑफेंसेज है उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3। बोलने का ट्राई करो फ्रेंड्स। चलो सब सेक्शन 1 किसको एप्लीकेबल? इट इज एप्लीकेबल टू टैक्सेबल पर्सन। हु इज टैक्सेबल पर्सन? पर्सन रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। सब सेक्शन 2 एप्लीकेबल टू टैक्सेबल, सॉरी एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जिसने जीएसटी में ऑप्टिंग किया होगा रजिस्ट्रेशन, उसको सब सेक्शन 2 एप्लीकेबल होने वाला है। नेक्स्ट आएगा सब सेक्शन 3 एप्लीकेबल टू एनी पर्सन। बोलो क्लियर? सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल टू टैक्सेबल पर्सन, अलग अलग 21 ऑफेंस जो आपने कमिट किए होंगे तो आपकी पेनल्टी रहेगी ₹10,000 और 100% ऑफ टैक्स क्या करेंगे, विच एवर इज हायर। सब सेक्शन 2 एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन, अलग अलग 5 ऑफेंस आपसे हो गए। बोलो जीएसटी नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरेनसली रिफंडेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, ओके, रीजन अदर देन फ्रॉड होगा तो 10,000 और 10% ऑफ टैक्स क्या करेंगे, विच एवर इज हायर। रीजन फ्रॉड होगा, यहाँ पे देखते चलो, रीजन फ्रॉड होगा तो पेनल्टी कितनी रहेगी, इट इज ₹10,000 और 100% ऑफ टैक्स क्या करेंगे, वापस एक बार, विच एवर is higher, other than fraud 10,000 or 10% of tax whichever is higher, and reason including fraud होगा तो मतलब it would be 10,000 or 100% of tax क्या करेंगे, whichever is higher। subsection 3 अलग अलग 5 offence थे जो खाली किसको applicable है, any person को applicable है। आपका penalty कितना रहेगा, maximum ₹25,000। clear? तो ये अलग अलग हमारे पास 3 subsections available है, subsection 1, subsection 2, subsection 3। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स सेक्शन 123 का रेफरेंस कहां पे होगा, रेफरेंस उसका होगा सेक्शन 150 के साथ। 123 का रेफरेंस सेक्शन 150 के साथ। व्हाट इज सेक्शन 150? इज फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिटर्न। सब सेक्शन 1 कहता है आईआर इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश करो, ओके, फर्निश करेगा कौन, स्पेसिफाइड पर्सन विद इन सच टाइम सच मैनर इन सच वे एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो अभी तक उसका प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं। सब सेक्शन 2 कहता है जो डिपार्टमेंट उसमें मतलब आईआर में जो आपकी कोई भी गलती आइडेंटिफाई करता है उसको आपको रेक्टिफाई करना होगा। रेक्टिफाई करना होगा विद इन व्हाट टाइम, 30 days, तो आपको रेक्टिफिकेशन करना है विद इन 30 days और सम एक्सटेंडेड टाइम आल्सो। जो आपने रेक्टिफिकेशन कर दिया कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जो रेक्टिफिकेशन नहीं किया तो हम समझेंगे एज इफ आईआर इज नॉट फर्निश्ड। हम क्या समझेंगे, एज इफ इंफॉर्मेशन रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 1 में आईआर फर्निश नहीं किया, सब सेक्शन 2 में डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं किया विद इन 30 days और एक्सटेंडेड टाइम, तो सब सेक्शन 3 में आपको नोटिस आएगी। उस नोटिस में कितना टाइम लिमिट लिखा होगा, मैक्सिमम 90 days, जहां पे आपको आईआर फर्निश करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। उसका रिप्लाई आपने कर दिया, नो फर्दर एक्शन, नो पेनल्टी। बट उस नोटिस का रिप्लाई आप नहीं करते हो बाय योर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बाय योर फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिटर्न, तब जब आपका पेनल्टी इंपोज होगा, विच इज व्हाट फ्रेंड्स, ₹100 पर डे ऑफ डिफॉल्ट और ₹5,000 क्या करेंगे, विच एवर इज लोअर। बोलो पता चला, एकदम मजबूत। मैं रिपीट करूंगा, सब सेक्शन 1 में रिटर्न फाइल नहीं करने से पेनल्टी का कॉन्सिक्वेंस नहीं आएगा, सबसेक्शन 2 में डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं करने के रीजन से आपका पेनल्टी का कॉन्सिक्वेंस नहीं आएगा, सबसेक्शन 3 में आपको नोटिस आती है फॉर फाइलिंग ऑफ आईआर जब आपने 1 में नहीं फर्निश किया था, 2 में डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं किया था, एंड 3 का रिप्लाई आपने कर दिया तो भी पेनल्टी नहीं है, तो सबसेक्शन 3 में आपको नोटिस आती है उसका रिप्लाई आप नहीं करते हो बाय योर फाइलिंग इंफॉर्मेशन रिटर्न, तब जाके आपको पेनल्टी इंपोज होने वाली है, विच इज व्हाट फ्रेंड्स, ₹100 पर डे ऑफ डिफॉल्ट और ₹5,000 क्या करेंगे, विच एवर इज लोअर। बोलो क्लियर? आई थिंक ये हमारे मन में अभी क्लियर हो चुका है। मैक्सिमम इट इज ₹5,000, एकदम मगज में रखने का, तो कभी भी चेवर हायर लोअर में से तकलीफ ना पड़े फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाज सेक्शन 124 व्हिच इज स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन रिटर्न की बात हो रही थी, सेक्शन 123 का रेफरेंस जब 150 के साथ था, स्टैटिस्टिक्स की बात होगी 124 का जब रेफरेंस कहां पे होगा, सेक्शन 151 इज इंफॉर्मेशन रिटर्न, 151 इज व्हाट फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स, 151 स्टैटिस्टिक्स। डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है आइदर इंफॉर्मेशन के थ्रू, आइदर फाइलिंग ऑफ रिटर्न के थ्रू, क्या मांग सकता है डिपार्टमेंट आपसे, स्टैटिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। जो फ्रेंड्स आपने स्टेटिस्टिक्स फर्निश नहीं किया, मतलब 124 का आपने स्टेटिस्टिक्स का फर्निशमेंट नहीं किया, तो क्या होगा, समझो आपका अपफ्रंट अभी पेनल्टी कितनी लगेगी, फर्स्ट फेज में आपका फाइन पेनल्टी नहीं है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, मजामा फाइन, तो आपका फाइन कितना, मैक्सिमम ₹10,000, मतलब वो 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 10000 भी हो सकता है, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, बरोबर समझने का ट्राई करो, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस आपका फाइन कितना तक एक्सटेंड हो सकता है, इट इज मैक्सिमम 100 पर डे ऑफ डिफॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम 100 पर डे ऑफ डिफॉल्ट और ₹25,000 क्या करेंगे,
विचएवर इज लोअर, मतलब यहां पे 20 पर डे भी हो सकता है, 50 पर डे भी हो सकता है, 100 पर डे भी हो सकता है। वापस एक बार 124 का रेफरेंस आएगा सेक्शन 151 के साथ। 151 कहता है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट आपसे, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है, वो आपने फर्निश नहीं किया, 151 से मतलब डिपार्टमेंट ने पावर अपने एग्जीक्यूट की है एंड आपसे स्टैटिस्टिक्स मांगा, आइदर बाय वे ऑफ इंफॉर्मेशन आइदर बाय वे ऑफ रिटर्न, जो आपने उस स्टैटिस्टिक्स को फर्निश नहीं किया तो अपफ्रंट अभी आपका फाइन कितना, इट विल बी मैक्सिमम ₹10,000 इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, इट मे एक्सटेंड टू ₹100 पर डे ऑफ डिफॉल्ट और ₹25,000, क्या करेंगे, व्हिच एवर इज लोअर। बोलो क्लियर। यह था हमारा सेक्शन 124। नेक्स्ट है सेक्शन 125 व्हिच इज जनरल पेनल्टी, समझने का ट्राई करें। जनरल पेनल्टी, जो कोई ऑफेंस के लिए स्पेसिफिक पेनल्टी लॉ में प्रोवाइड ना की गई हो तो आपको यहां पे पेनल्टी इंपोज होगी, विच इज व्हाट फ्रेंड सेक्शन 125 विच इज जनरल पेनल्टी, मैक्सिमम कितना होगा, इट विल बी ₹25,000। 25,000 की मैक्सिमम पेनल्टी आपको यहां पे इंपोज हो सकती है जो आपके ऑफेंस के लिए स्पेसिफिक पेनल्टी लॉ में प्रिस्क्राइब ना की गई हो। तो 122, 123 अलग अलग सबसेक्शन थे, 123 इज इंफॉर्मेशन रिटर्न, 124 इज स्टेटिस्टिक्स, 125 इज जनरल पेनल्टी। नेक्स्ट आएगा 126, जो कोई पेनल्टी है ही नहीं वो तो क्या है, जनरल डिसिप्लिन। कौन से डिसिप्लिन आप जनरली मेंटेन करोगे जब आप पेनल्टी इंपोज करेंगे फ्रेंड्स? तो फर्स्ट आएगा नो पेनल्टी फॉर माइनर ब्रिज। माइनर ब्रिज के लिए डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करने वाला नहीं है। व्हाट इज माइनर ब्रिज? जहां पे आपका टैक्स इन्वॉल्वड मस्ट बी व्हाट, लेस देन ₹5,000। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ध्यान में रखना है, लेस देन ₹5,000। आपका टैक्स इन्वॉल्वमेंट जो भी होगा वो लेस देन ₹5,000 होगा तो आपको पेनल्टी इंपोज होने वाली नहीं है। बाद में ऐसी कोई भी गलती होगी जो डॉक्यूमेंटेशन में हो गई है विच इज इजीली रेक्टिफाइबल, तो उसके ऊपर भी डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करने वाला नहीं है। बट ध्यान से रखना है, आपका इंटेंशन अदर देन फ्रॉडुलेंट होना चाहिए, मतलब आपने जानबूझ के गलती की हो तो डिपार्टमेंट आपको वेव ऑफ नहीं करेगा पेनल्टी, इट शुड बी अदर देन योर फ्रॉडुलेंट इंटेंट, तब आपको पेनल्टी इंपोज होने वाली नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, माइनर ब्रिज का मतलब टैक्स इन्वॉल्व लेस देन ₹5,000। व्हाट इज एरर विच इज इजीली Easy rectifiable error का मतलब होगा which is mistake apparent on face of record. Okay, next आएगा friends penalty. शुड डिपेंड अपॉन केस टू केस, मतलब केस टू केस पेनल्टी वेरी होनी चाहिए एंड बहुत इंपॉर्टेंटली इट मस्ट वेरी अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड सिवियरिटी ऑफ ईच ब्रिज। कौन से इंटेंशन से आपने ये ब्रिज किया था अकॉर्डिंगली आपकी पेनल्टी वेरी होने वाली है। तो फर्स्ट माइनर ब्रिज के लिए नो पेनल्टी, डॉक्यूमेंटेशन में कोई एरर हो गई थी विच इज इजी रेक्टिफाइबल तो उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज करने वाले नहीं है। माइनर ब्रिज का मतलब लेस देन 5,000। नंबर टू, पेनल्टी मस्ट डिपेंड अपॉन केस टू केस, डिग्री एंड सिवियरिटी ऑफ ईच ब्रिज। सब सेक्शन 3 प्लस हमारे पास अवेलेबल होगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, डिपार्टमेंट यहां पे आपको क्या प्रोवाइड करेगा, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट नंबर 4 आएगा, पेनल्टी ऑर्डर मस्ट स्पेसिफाई व्हाट, नेचर ऑफ ब्रिज, कौन सा गुना आपने किया है, एप्लीकेबल लॉ, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर, इतना पेनल्टी ऑर्डर में मस्ट स्पेसिफाई होना चाहिए। सिंपल वर्ड में इज मस्ट बी अ स्पीकिंग ऑर्डर। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, वॉलंटरी डिस्क्लोजर शुड बी अ मिटिगेटिंग फैक्टर। जब भी आपका गुना मान लेते हो, जब भी आपने आपका गुना एक्सेप्ट कर लिया, अग्री कर लिया, बट अग्री कब करना है, बिफोर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रिज। आप पकड़े गए बाद में मानते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको मानना है ये गुना कब, बिफोर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रिज। इन दिस सिनेरियो आपको पेनल्टी डिपार्टमेंट जो मतलब इंपोज तो करेगा, बट डिपार्टमेंट जब उसको क्वांटिफाई करेगा तो ये आपने जो वॉलंटरी डिस्क्लोज किया है उसको कंसीडर करेगा एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर व्हाइल डिटरमाइनिंग व्हाइल क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। मतलब डिपार्टमेंट उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मानेगा जब आपका क्वांटिफिकेशन होगा योर अमाउंट ऑफ पेनल्टी। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, ये सेक्शन एप्लीकेबल कब नहीं है, मतलब जो 5 सबसेक्शन हमने डिस्कस की उसका एकदम सत्यानाश कर दिया। सबसेक्शन 6 ने क्या बोला, कोई कोई केस में आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। कौन से केस में नहीं होगी, जब आपका पेनल्टी क्या होगा, फिक्स सम होगा कि फिक्स परसेंटेज होगा, तो ये सेक्शन आपको एप्लीकेबल होने वाली नहीं है। मतलब ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी कब आएगी, जब आपके केस में पेनल्टी कितनी होगी, मैक्सिमम 25,000, मैक्सिमम 100 पर डे, मैक्सिमम ₹10,000। ए पता चला, तो इस केस में आपका ये पेनल्टी का ये सेक्शन 126 एप्लीकेबल होने वाला है विच इज जनरल डिसिप्लिन। फ्रेंड्स क्लियर, इतना डिस्कशन हमने किया था, आगे का फर्दर डिस्कशन हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। उसके पहले सेक्शन का लिस्ट एकदम मगन में फिट करते चलो, सेक्शन 122 अलग अलग 3 सबसेक्शन, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, 123 याद करो इट इज इंफॉर्मेशन रिटर्न, 124 इज स्टैटिस्टिक्स, 125 इज जनरल पेनल्टी, 126 इज जनरल डिसिप्लिन। क्लियर, दो बहुत छोटी छोटी सेक्शन है, 127, 128 एकदम फास्ट खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स आओ जरा चेक करो, 127 एकदम सिंपल, शुरू होते खत्म हो जाएगी, इसको बोलेंगे फ्रेंड्स नो डबल पेनल्टी। 127 को बोलेंगे फ्रेंड्स नो डबल पेनल्टी। इफ प्रोसीडिंग्स आर कवर्ड बाय सेक्शन 62, 63, 64, 73, 74, 129, 130,
सर ज़्यादा ही सेक्शंस हो गई, थोड़ी चिंता ना करो, हर एक सेक्शन को ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। ये सेक्शन डिस्कस करनी बाकी है, ये सेक्शन डिस्कस करनी बाकी है, बाकी 1, 2, 3, 4, 5 पांच अलग अलग सेक्शन हम डिस्कस करके बैठे हैं। याद करो सेक्शन 62, याद करो सेक्शन 63, याद करो सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, याद करो सेक्शन 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। लिख दो फ्रेंड्स ऊपर आपके रेफरेंस के लिए, इट इज नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। सिक्सटी थ्री इज वॉट फ्रेंड्स, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। कहाँ पे डिस्कस किया था, किसको डिस्कस किया था, असेसमेंट ऑडिट चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट बेसिक डिस्कशन था इन रिलेशन टू असेसमेंट प्रोसीजर, वहां पर हमने डिस्कस किया था, इट वॉज असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ याद करना हो तो एक बार करवा दो फटाफट, है हो जाए, चलो चार चालू करते हैं। याद करो उसका चार्ट, पहले हमने डिस्कस किया था असेसमेंट ऑडिट को सेक्शन 73, 74, 75, बाद में ये चार्ट शुरू किया था लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, याद आ रहा है, ऑप्टेंड नॉट ऑप्टेंड, इफ नॉट ऑप्टेंड असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये आया असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। याद करो इफ ऑप्टेंड तो लायबिलिटी ऑफ जीएसटी, अवेयर नॉट अवेयर, इफ नॉट अवेयर प्रोविजनल असेसमेंट, पता चला, याद आया, इफ अवेयर तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न फर्निश नॉट फर्निश, इफ नॉट फर्निश असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, इफ फर्निश डिपार्टमेंट कर सकता है स्क्रूटिनी, जो डिपार्टमेंट स्क्रूटिनी करेगा उसमें कोई भी डिफेक्ट आइडेंटिफाई करके आपको इंटीमेट करेगा, जो आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, जो आपने रेक्टिफाई कर दी तो नो फर्दर एक्शन, जो रेक्टिफाई नहीं की, याद करो प्रोसीडिंग्स अंडर, याद करो इट वॉज 65, 66, 67, 73, 74, 65 याद करो डिपार्टमेंटल ऑडिट, 66 याद करो स्पेशल ऑडिट, 67 इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, बाद में था 73, 74 हमारी बचपन के एकदम फेवरेट सेक्शन से। बोलो पता चला, तो लॉ ने क्या बोला पता है, इफ प्रोसीडिंग्स आर कवर्ड, इफ प्रोसीडिंग्स आर कवर्ड अंडर 62 मतलब असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, 64 याद करो 64 वॉज समरी असेसमेंट, 64 इज फ्रेंड्स समरी असेसमेंट, इमीडिएटली जो असेसमेंट पास किया जाता है वो समरी असेसमेंट। नेक्स्ट है 73, 74 नो फ्रॉड होगा तो 73, फ्रॉडुलेंट रिटर्न होगा तो 74। व्हाट इज 129 डिस्कस करनी बाकी है, व्हाट इज 130 डिस्कस करना बाकी है, उसमें से 129 आज ही हम डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स। 129 विच इज लेटर से जब आपके कुछ रास्ते में जा रहे होते हो डिपार्टमेंट उसको कर सकता है सीज, तो इट इज सेक्शन 129, तो 129 डिस्कस करेंगे आज, 130 इज कॉन्फिस्केशन, क्लियर। तो लॉ ने क्या बोला, नो पेनल्टी शेल बी लेविड अंडर दिस चैप्टर, मतलब जो 62 के हिसाब से आपको पेनल्टी लग चुकी हो तो यहां पे इस चैप्टर के हिसाब से आपको पेनल्टी लगने वाली नहीं है। 63 में आपका असेसमेंट हो चुका है, वहां पे आपको पेनल्टी लग चुकी है, वहां पे आपका प्रोसीडिंग चल रहा है, तो इस सेक्शन में और इस चैप्टर में आपको पेनल्टी इंपोज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 64 समरी असेसमेंट में आपका ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रहा है, तो इस चैप्टर के हिसाब से आपको पेनल्टी इंपोज करने की जरूरत नहीं है। 73, 74 याद करो 75 डिस्कस किया था, पहले डिस्कस किया था 73, बाद में डिस्कस किया था 74, बाद में डिस्कस किया था 75, 75 की लास्ट सबसेक्शन थी याद करो, तभी बोला था इट इज नो डबल पेनल्टी। 75 ने क्या बोला था, जो आपकी पेनल्टी 73 में लग चुकी हो, 74 में लग चुकी हो, तो और कोई जगह पे सिमिलर ऑफेंस के लिए आपको पेनल्टी लगाने की जरूरत नहीं है। वापस एक बार, जो आपको 75 में लिखा था, जो आपको पेनल्टी 73 के हिसाब से लग चुकी हो, 74 के हिसाब से लग चुकी हो, तो ये सेम ऑफेंस के लिए आपको और कोई जगह पे पेनल्टी इंपोज होने वाली नहीं है। उसका रिकंफर्मेशन किया सेक्शन 127 ने, क्या बोला सेक्शन 127 ने, उसने एकदम सिंपल बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बोला, कि जो आपका प्रोसीडिंग 62, 63, 64, 73, 74, 129, 130 में प्रोसीडिंग चल रहा हो, आपको इस चैप्टर में पेनल्टी इंपोज होने वाली नहीं है। मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या होगा फ्रेंड्स, नो डबल पेनल्टी, एक ही ऑफेंस के लिए दो दो बार आपको पेनल्टी इंपोज होगी, ऐसा होने वाला नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर। तो 64, 64, 73, 74, 129, 130 के हिसाब से आपका प्रोसीडिंग चल रहा हो, तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर के हिसाब से पेनल्टी इंपोज होने वाली नहीं है। सिंपल वर्ड्स में इतना याद रख सकते हो, नो डबल पेनल्टी, मतलब एक बार एक ऑफेंस के लिए कोई जगह पर पेनल्टी इंपोज हो चुकी हो, तो वही ऑफेंस के लिए सिमिलर ऑफेंस के लिए आपको दूसरी को जगह पर पेनल्टी इंपोज होने वाली नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर। इसका रीडिंग कर लेते हैं सेक्शन 127, सॉरी सेक्शन 127, आओ जरा डिस्कस करते हैं 127, पावर टू इंपोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस, यहां पे लिख देता हूं नो डबल पेनल्टी। हमने 126 से डिस्कस कर लिया था फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हो, रीडिंग भी हमारा खत्म हो चुका था, तो नाउ वी आर ऑन टू 127 विच इज नो डबल पेनल्टी। चलो, वेयर प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द व्यू दैट पर्सन इज लायबल टू पेनल्टी,
एंड दिस सेम इज नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर, मतलब यहां पे कवर नहीं होता है तो क्या होगा, ही मे इश्यू ऑर्डर लेविंग सच पेनल्टी आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग अ टू सच पर्सन, मतलब वो पहले कंफर्म करेगा कि ये सेक्शन में आपका प्रोसीडिंग्स कवर्ड नहीं है, तो ये सेक्शन में आपका प्रोसीडिंग्स कवर्ड होगा तो उस सेक्शन के हिसाब से आपको पेनल्टी इंपोज होगी, एंड जो आपका प्रोसीडिंग्स उस सेक्शन में कवर्ड नहीं है तो जाके इस मतलब इस चैप्टर के हिसाब से आपको पेनल्टी इंपोज होने वाली है। याद कर उसमें से 62 क्या लिखू बोलो, 62 में लिखूंगा असेसमेंट ऑफ इट इज फ्रेंड्स असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, आएगा फ्रेंड्स असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, 64 होगा समरी असेसमेंट, 73 होगा 5 ऑफेंस आपसे हो गए हैं, जीएसटी नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरनेसली रिफंडेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, रीजन अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। वापस एक बार, 74 में आपसे 5 ऑफेंस हो गए, वही 5 ऑफेंस, बट बाय रीजन ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, ये डिस्कस करनी बाकी है, विच इज 129 and 130। ओके, 130 इज कॉन्फिस्केशन एंड 129 इज सीजर और रिटेंशन, क्लियर। नेक्स्ट आएगा नो डबल पेनल्टी, हमारे मन में भी क्लियर है। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 128, पावर टू वेव पेनल्टी और फीस और बोथ। फ्रेंड्स कोई कोई सर्कमस्टेंसेज में ऐसा हो सकता है, शायद आपको ये अभी अभी आप अभी माहौल देख लो, ये कोरोना का माहौल है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट चाहे तो आपका पेनल्टी जो इम्पोज हो सकता है वो वेव ऑफ भी कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट के पास पावर्स है टू वेव ऑफ योर पेनल्टी। शायद आपको याद होगा तो इनिशियल जब GSTR 1 हम लेट फाइल करते थे तो उसका गवर्नमेंट ने जो लेट पेमेंट फीस था वो वेव ऑफ कर दिया था, बिकॉज लोगों के लिए ये सब नया नया प्रोसीजर था, एकदम लोग इजिली एक्स्टम नहीं हो जाएंगे इस सारे प्रोसीजर से, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अभी हमारे ही लोग हैं, हम उनसे तो पूरा कंट्री चलता है, तो उनके लिए GSTR 1 जो लेट फाइल करेंगे तो उसकी लेट पेमेंट फीस का वेवर आया था वो इस सेक्शन के हिसाब से आया था, विच इज सेक्शन 128 पावर टू वेव पेनल्टी, मतलब डिपार्टमेंट के पास गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि गवर्नमेंट जो भी चाहे स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन के लिए स्पेशल सिचुएशन कंसिडर करते हुए पर्टिकुलर सरकम सेंसेस में आपका ये पेनल्टी वेव ऑफ भी कर सकती है, गवर्नमेंट के पास पावर्स है, कोई स्पेशल सिचुएशन में ये वेव ऑफ भी कर सकती है। चेक करो, गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन वेव इन पार्ट और फुल, पूरे पूरा भी वेव ऑफ कर सकती है, पार्टली भी वेव ऑफ कर सकती है, एनी पेनल्टी रिफर टू इन 122, मतलब जो सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 था, 123 विच इज वॉट इंफॉर्मेशन रिटर्न, नेक्स्ट इज 125 विच इज जनरल पेनल्टी, और लेट फीज रिफर टू इन सेक्शन 47 इज वॉट फ्रेंड्स लेट पेमेंट फीस इन केस ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आप रिटर्न लेट फाइल करेंगे, GSTR 1 आपने लेट फाइल किया, GSTR 3 भी लेट फाइल किया, एनुअल रिटर्न शायद लेट फाइल किया, तो उसकी लेट पेमेंट फीस जो है वो गवर्नमेंट वेव कर सकती है, अंडर विच सेक्शन गवर्नमेंट के पास पावर्स है, अंडर विच सेक्शन 128 फ्रेंड्स, बोलो क्लियर, डन। फॉर सच क्लास ऑफ टैक्स पेयर अंडर सच मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, मतलब डिपार्टमेंट के पास गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि जब जब डिपार्टमेंट चाहे आपकी पेनल्टी डिपार्टमेंट वेव ऑफ कर सकता है, वजह सेक्शन 128 में वेव कैसे याद रख सकता हूं, पावर टू वेव, याद आया वेव, वेव का मतलब क्या हुआ, जो दरिया का मतलब जो का वेव आता है, अकॉर्डिंग मैंने याद रखा है 120 इज पावर टू वेव, बिकॉज सेक्शन 138 तक पहुंचना है फ्रेंड्स, तो बीच में थोड़ा ब्रेक तो चाहिए ना याद रखने के लिए, 128 इज व्हाट पावर टू वेव, ओके, तो ये पावर टू वेव है, एग्जाम पर्सपेक्टिव इतना खास काम का नहीं है, पर हमको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास पावर्स है टू वेव योर पर्टिकुलर पेनल्टी फ्रेंड्स। यहां पे ऑब्जर्व करो तो ऑब्जर्वेशन में ऐसा पता चलेगा 122 कवर्ड है, 123 कवर्ड है, बट 124 कवर्ड नहीं है, विच इज स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स आपसे मांगे गए तो आपको कंपलसरी देने ही पड़ेंगे, उसका फाइन डिपार्टमेंट चाहे तो वेव ऑफ कर सकता नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में मांगे जाएंगे, जनरलाइज नहीं होगा, वो स्पेसिफिक सिचुएशन में आपसे ही पर्टिकुलर ये इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स मांगे जाएंगे, सो उसको वेव डिपार्टमेंट करता नहीं है फ्रेंड्स, वो कंपलसरी आपको फाइन पे करना ही पड़ेगा, क्लियर। तो 128 तक हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, और भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन सेक्शन 129, एग्जाम पर्सपेक्टिव सख्त रेलेवेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव गजब रेलेवेंट, क्लियर। इसका एक बार समरी देख लेते हैं 128 का, आप उसको थोड़ा यूज्ड टू हो जाओ।
पावर टू वेव पेनल्टी. व्हाट इज पावर टू वेव? पावर टू वेव पेनल्टी. कौन से सेक्शन में आपको पेनल्टी लग सकती हो तो वो वेव कर सकता है डिपार्टमेंट गवर्नमेंट 122, 123, 125. देखो मैंने कैसे याद रखा, पता है 124 तो फाइन है, तो ये तो पेनल्टी वेव करने के पावर से, फाइन तो वेव हो सकता नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर. और फीस अंडर विच सेक्शन? 47, विच इज लेट पेमेंट फीस. स्पेसिफिकली लिखा है कि फीस डिपार्टमेंट वेव कर सकता है. गवर्नमेंट मे वेव पेनल्टी और फीस फॉर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर अंडर मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस जो रिकमेंडेड करेगा जीएसटी काउंसिल, क्लियर. तो ये था हमारा सेक्शन 128. नेक्स्ट आएगा सेक्शन 129, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन, थोड़ी लेंथी सेक्शन जिसका डिस्कशन इन डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो उसके पहले शुरू करते हैं. फर्स्ट सेक्शन 122, अलग अलग तीन सबसेक्शन हमारे पास अवेलेबल है. सबसेक्शन 1 टैक्सेबल पर्सन के लिए, सबसेक्शन 2 रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, सबसेक्शन 3 एनी पर्सन के लिए. 21 ऑफेंसेस, बाद में 5 ऑफेंस जीएसटी नॉट पेड शॉर्ट पेड वगैरह, एंड सबसेक्शन 3 में वापस एक बार 5 ऑफेंसेस. सेक्शन 123 इज व्हाट फ्रेंड्स? इंफॉर्मेशन रिटर्न. उसका रेफरेंस आएगा सेक्शन 150 के साथ. सेक्शन 124 का रेफरेंस आएगा सेक्शन 151 विच इज पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट आएगा सेक्शन 125 विच इज जनरल पेनल्टी. नेक्स्ट आएगा सेक्शन 126. नेक्स्ट आएगा फ्रेंड सेक्शन 126 विच इज जनरल डिसिप्लिन. नेक्स्ट आएगा 127 जो आज का डिस्कशन विच इज पावर टू सॉरी इट इज नो डबल पेनल्टी. एंड नेक्स्ट इज 128 विच इज पावर टू वेव. फॉलो क्लियर. नेक्स्ट आएगा सेक्शन 129, सुपर डुपर सेक्शन, गजब सेक्शन, एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट. डिटेंशन सीजर, रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेयंस इन ट्रांजिट. गजब 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 इंपॉर्टेंट, सखत ध्यान फ्रेंड्स. आपके गुड्स बरोबर समझने का ट्राई करो. ये खाली गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, सर्विस के लिए एप्लीकेबल नहीं है. 129 इज ऑनली एंड ऑनली एप्लीकेबल फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स. फ्रेंड्स आपके गुड्स आपके वेयरहाउस में नहीं थे, आपके फैक्ट्री में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ वहाँ पे नहीं थे, आपके गुड्स ट्रांसपोर्टर के पास उसके वेयरहाउस में नहीं थे, आपके गुड्स रास्ते में थे, आपके गुड्स मूव कर रहे थे, आपके गुड्स मूवमेंट में थे. सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट तो ये है, आपके गुड्स ट्रांजिट में होने चाहिए. जो आपके गुड्स स्टेडी है, स्टैचू कर दिया है, स्टैचू अल्लाह मत, आपके गुड्स ऐसी सिचुएशन में है तो उसको उसको हम 129 इंपोज नहीं कर सकते. आपके गुड्स कंपलसरी क्या होने चाहिए? इन ट्रांजिट. जब आपके गुड्स ट्रांजिट में थे, आपके गुड्स ट्रांजिट में थे एंड आपने कुछ वायोलेशन किया है तो 129 यहाँ पे अट्रैक्ट होने वाला है. तो 129 के फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन क्या? योर गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो हमको फॉलो करना होगा फ्रेंड्स. अभी चेक करो. इफ एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट्स स्टोर्स एनी गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब आपने क्या किया, आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो, उसका स्टोरेज करते हो. कब? जब गुड्स ट्रांजिट में है. जब गुड्स ट्रांजिट में है आप ओन ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हो, ट्रांसपोर्टर को भी अपॉइंट कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. आप खुद से भी वेयरहाउस आपका हो सकता है, आप कोई वेयरहाउस ओनर को भी अपॉइंट करके उसका स्टोरेज करवा सकते हो. सिंपल वर्ड्स में आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपका गुड्स स्टोर हो रहा है जब वो ट्रांजिट में है. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जब वो ट्रांजिट में है. आपके पास गुड्स है ऐसा नहीं है, आपके वहां से गुड्स निकल चुके हैं रेसिपेंट को डिलीवर होने के लिए, क्या और कोई रीजन से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. सिंपल वर्ड्स में आपके गुड्स ट्रांजिट में है, रास्ते में है. तो आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, आपका जो भी स्टोरेज हो रहा है, जो गुड्स ट्रांजिट में थे, इफ इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस. तो आपके गुड्स जब ट्रांजिट में थे तब रास्ते में आपके गुड्स को रोके गए, समझने का ट्राई करो. फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, आपसे इनवॉइस मांगा गया, आपसे ईवे बिल मांगा गया, बट उसमें लोचल आपसे था, योर ट्रांजिट वॉज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस. ईवे बिल नहीं था, ईवे बिल था तो एक्सपायर हो चुका था, इनवॉइस नहीं था, था तो इम्प्रॉपर था, ये सब मामला था. तो जब आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट आपके गुड्स सॉरी वापस एक बार ट्रांजिट में थे एंड आपका ट्रांसपोर्टेशन के स्टोरेज जो रास्ते में हो रहा था, ट्रांजिट में जब गुड्स थे तब आपका कुछ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, ट्रांजिट में जब गुड्स थे तब उसका कुछ बीच में स्टोरेज किया. एग्जांपल के तौर पे इट इज सो पॉसिबल कि बीच में गुड्स को स्टोर करना पड़ता था. ओके, तो जब आपके गुड्स ट्रांजिट में थे एंड वो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन के स्टोरेज है वो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन है, वो प्रोविजन के अकॉर्डिंगली नहीं है, इट इज इन वायोलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द लॉ, मतलब ईवे बिल नहीं था, आपके केस में इनवॉइस नहीं था. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो 129 है फ्रेंड्स, वो ईवे बिल के प्रोविजंस को वायोलेशन करने से जो कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होंगे उसको रिप्रेजेंट करेगा सेक्शन 129. बहुत बार कभी कभी ऐसा होता है हम ईवे बिल नहीं रखते, ट्रांसपोर्टेशन में ईवे बिल प्रॉपर जनरेट नहीं होता है, पार्ट ए पार्ट बी ईवे बिल का दोनों के दोनों फर्निशमेंट करना पड़ता है, बट हमने दोनों फर्निश नहीं किए, खाली पार्ट ए फर्निश किया, प्रॉपर ईवे बिल नहीं बना, तो इन दिस सिनेरियो ईवे बिल शायद एक्सपायर हो गया. इन शॉर्ट ये सारे प्रॉब्लम्स
का जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा, जो आपने फुलफिल नहीं किया प्रोविजन सीवी बिल के, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो यहां पे कवर होगा, विच इज सेक्शन 129। तो जब आपके गुड्स ट्रांजिट में थे तब दो चीज हुई, आइदर आपका ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था कि आपका स्टोरेज था गुड्स का। जब गुड्स ट्रांजिट में थे, सर स्टोरेज कैसे हो सकता है? अरे रास्ते में एक दिन आपके गुड्स स्टोर हो चुके थे, तो अभी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, वो स्टोर हो चुके थे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब आपके गुड्स ट्रांजिट में है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, बिकॉज ये फोकस करने जैसा है। जब मैं बताऊंगा कि इसका फोकस क्या है तब आपको पता चल जाएगा। सिंपल वर्ड्स में, जो चीज के ऊपर मैं फोकस करूं उसके ऊपर आपका ध्यान से फोकस होना चाहिए। जब आपके गुड्स बोलो ट्रांजिट में है, हाँ परफेक्ट बोले, जब आपके गुड्स ट्रांजिट में है तब आपने उसका ट्रांसपोर्टेशन किया कि आपने उसको स्टोर किया। ये ट्रांसपोर्टेशन, ये स्टोरेज, इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। ओके, तो क्या होगा? एंड डिपार्टमेंट को ये पता चला फ्रेंड्स, तो क्या होगा? देन गुड्स, बाप रे बाप, गुड्स तो गए, कन्वेयंस भी गया, का मतलब जो ट्रक थी वो भी, प्लस गुड्स थे वो भी, शैल बी लायबल फॉर सीजर और डिटेंशन। समझने का ट्राई करो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, पहले भी डिस्कस किया था, आज वापस एक बार डिस्कस कर रहा हूं। सीजर कॉन्फिस्केशन का डिफरेंस समझते हैं। सीजर का मतलब क्या? इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पोजेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहां पे आपके गुड्स का खाली उन्होंने पोजेशन ले लिया है, यहां पे आपके जो भी ट्रक होगा उसका पोजेशन उन्होंने ले लिया है, अभी ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफर हुई नहीं है, तो ओनरशिप अभी गुड्स की ट्रांसफर नहीं हुई है। नंबर टू, डिटेंशन का मतलब क्या? डिटेंशन का मतलब फ्रेंड्स रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स यूसेज। सिंपल वर्ड्स में समझो तो एग्जांपल के तौर पे आप क्लास में नाश्ता कर रहे हो, मैंने आपको Hey, नाश्ता नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने आपका नाश्ता मेरे पास नहीं ले लिया। आई एम नॉट चेंजिंग द पोजेशन ऑफ योर नाश्ता, बट मैं क्या कर रहा हूं, उसके यूसेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा हूं कि ट्रक यहां से बस अभी आगे मूव होनी चाहिए नहीं, तो मैंने आपको ऑर्डर दे दिया फॉर नॉन मूवमेंट ऑफ ट्रक और नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स इवन, तो उसको बोलेंगे डिटेंशन। जो मैं ये कन्वेंस, ये गुड्स मेरे पोजेशन में ले लेता हूं, तो वो हो गया सीजर। एंड जो मैं आपको बोलूं रास्ते में रोक दो बस यहां पे रखना, ट्रक आगे मत ले जाना, उसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन और डिटेंशन। बोलो क्लियर? डन। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब आपके गुड्स ट्रांजिट में थे, बरोबर समझने का ट्राई करो, जब आपके गुड्स ट्रांजिट में थे, पूरी प्रोसेस है मगर फ्लो सेट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर वन, जब आपके गुड्स ट्रांजिट में है तब आप उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, आप उसका स्टोरेज कर रहे हो, विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन। आप ये खुद से भी कर सकते हो, कोई एजेंसी के थ्रू भी करवा सकते हो, और स्टोरेज आपका खुद का था, ट्रांसपोर्टेशन आपका खुद का था, किसी और एजेंसी को अपॉइंट करके भी उसका लेटर से आप ये ट्रांजैक्शन करवा सकते हो। तो सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके गुड्स ट्रांजिट में है, आप उसका स्टोरेज करवाते हो, आप उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाते हो, विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन। तो क्या होगा? ऑल गुड्स एंड कन्वेयंस, सबसे इंपोर्टेंट तो कन्वेयंस की बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कन्वेयंस गया आपका, तो ऑल गुड्स प्लस कन्वेयंस शैल बी लायबल फॉर व्हाट, सीजर शैल बी लायबल फॉर व्हाट, डिटेंशन। मतलब आपके गुड्स का टेंपरेरी पोजीशन तो गया ही गया, उतना आप समझ लो फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? तो ट्रांजिट में जो भी प्रोविजन आपको फुलफिल करने थे वो सारे प्रोविजन आपको फॉलो करने हैं, जो नहीं करते एंड आइडेंटिफाई हो जाते हो, पकड़े जाते हो, तो आपके गुड्स आपके कन्वेंस का डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, सीजर। आपके गुड्स आपके कन्वेंस का डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, डिटेंशन, मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स यूसेज। क्लियर? नंबर टू, जैसे आपके गुड्स का डिटेंशन हुआ, जैसे आपके कन्वेंस का डिटेंशन हुआ, एक प्राइमरी प्रोसीजर डिपार्टमेंट फॉलो करेगा, आपको एक ऑर्डर इश्यू करेगा। समझने का ट्राई करो, अभी आपको एक ऑर्डर इश्यू करेगा, वो ऑर्डर होगा ऑफ डिटेंशन और सीजर इमीडिएटली। जैसे आपके गुड्स ट्रांजिट में थे, समझना केयरफुली, जैसे गुड्स ट्रांजिट में थे तो आपके गुड्स पकड़े गए, रास्ते में रोके गए, ईवी बिल नहीं था, इनवॉइस प्रॉपर नहीं था, ईवी बिल था तो शायद एक्सपायर हो चुका था। इन दिस सिनेरियो आपके गुड्स का सीजर किया, आपके गुड्स का डिटेंशन किया, तो इमीडिएटली मैं जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको रोका है, इमीडिएटली आपको क्या इश्यू करेगा, ऑर्डर। ये लो ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ व्हाट, डिटेंशन, ऑर्डर ऑफ व्हाट, सीजर। तो ये प्रोसेस मुझे फॉलो करनी है एज अ प्रॉपर ऑफिसर। सेकंड पॉइंट, इश्यू ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ व्हाट, आई नीड टू इश्यू ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और ऑर्डर ऑफ सीजर टू पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस। नाउ हु विल बी द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस, उसका ड्राइवर। कन्वेयंस का ओनर उसका पर्सन इन चार्ज नहीं होता, समझे? जो गुड्स का ओनर होगा वो पर्सन इन चार्ज नहीं होगा, जो कन्वेयंस का पर्सन इन चार्ज होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो कन्वेयंस को कौन ध्यान रखता है, कन्वेयंस का इंचार्ज कौन होता है, तो उसका ड्राइवर जो भी होगा वो, उसको हम क्या इश्यू करेंगे अभी, उसका ऑर्डर। बोलो क्लियर? डन। तो फर्स्ट पॉइंट, जब आपके गुड्स ट्रांजिट में थे, समझने का ट्राई करो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट। जब आपके गुड्स ट्रांजिट में थे तब आपके गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तब आपके गुड्स का स्टोरेज हुआ, विच वॉज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन। इफ इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, आप आइडेंटिफाई हो जाते हो, इवी बिल नहीं था, इनवॉइस प्रॉपर नहीं था, तो डिपार्टमेंट आपके गुड्स का कर सकता है सीजर, आपके गुड्स का कर सकता है डिटेंशन। जैसे डिटेन हुए आपके गुड्स, जैसे आपके गुड्स का सीजर हुआ, इमीडिएटली सेकंड स्टेप डिपार्टमेंट क्या इश्यू करेगा आपको, ऑर्डर ऑफ व्हाट, सीजर, ऑर्डर ऑफ व्हाट, डिटेंशन। फ्रेंड्स, जैसे आपको ऑर्डर इश्यू होता है, मतलब पर्सन इन चार्ज को डिटेंशन का, सीजर का ऑर्डर इश्यू करता है, वो जनरली क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो अपने ओनर को फोन करेगा कि हमारी गाड़ी हमारे जो भी कन्वेंस रास्ते में पकड़े गए हैं। ओके, तो जो नोटिस आपको यहाँ पे दी जाती है, रादर आपको जो ऑर्डर यहाँ पे इश्यू किया जाता है,
उसके विद इन, बहुत इंपॉर्टेंट, 1/4 14 डेज में, समझने का ट्राई करो, उसके विद इन 1/4 14 डेज में आप गुड्स छुड़वाने के लिए जाओगे। कौन गुड्स छुड़वाने के लिए जाएगा? जो ओनर होगा गुड्स का, जो ओनर होगा कन्वेंस का, वो गुड्स छुड़वाने के लिए जाएगा फ्रेंड्स, क्लियर। तो विद इन व्हाट टाइम आपको जाना पड़ेगा? विद इन टाइम आपको जाना पड़ेगा 1/4 14 डेज। 1 मिनट, ये प्रोसेस यहां पे है जो आपको ध्यान में रखनी है। विद इन 1/4 14 डेज आपको गुड्स छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा। ओके, 1/4 14 डेज में आप गुड्स छुड़वाने के लिए गए, समझने का ट्राई करो, 1/4 14 डेज में आप गुड्स छुड़वाने के लिए गए, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा समझो। डिपार्टमेंट आपको वहां पे, जो जहां पे ये गुड्स का डिटेंशन हुआ था, कहां पे ये गुड्स का सीजर हुआ था, वहां पे डिपार्टमेंट का प्रॉपर ऑफिसर बैठा होगा। आप क्या गए? विद इन 14 डेज गुड्स छुड़वाने के लिए गए। विद इन 14 डेज जब आप गुड्स छुड़वाने के लिए गए, डिपार्टमेंट वहां पे आपको एक नोटिस इश्यू करेगा, समझने का ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट। डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस इश्यू करेगा, जो नोटिस में लिखा होगा कितना पैसा आपको भरना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स, कितना पैसा आपको भरना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स। बोले इतना मगर में प्रोसीजर क्लियर है? इसमें एक स्टेप इंक्लूड करके हम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान आपको रखना है ये वाला, आपके गुड्स ट्रांजिट में थे, ध्यान से चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके गुड्स ट्रांजिट में थे, जब आपके गुड्स ट्रांजिट में थे आप उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हो, आप उसका स्टोरेज करते हो, विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, तो योर गुड्स योर कन्वेंस इंक्लूडिंग कन्वेंस ऑल्सो, योर गुड्स योर कन्वेंस इज लायबल फॉर वॉट? डिटेंशन, इज लायबल फॉर वॉट? सीजर, क्लियर। नेक्स्ट आएगा, जैसे आपका गुड्स का डिटेंशन हुआ, जैसे आपके गुड्स का सीजर हुआ, जो प्रॉपर ऑफिसर जिसने आपके गुड्स डिटेन किए थे, जिसने आपके गुड्स का सीजर किया था, वो आपको क्या इश्यू करेगा? नोटिस, सॉरी, वो आपको क्या इश्यू करेगा? ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ वॉट? डिटेंशन। ऑर्डर ऑफ व्हाट? सीजर। बोलो क्लियर। नाउ ये ऑर्डर आपको इश्यू हो चुका, ये ऑर्डर आपको अवेलेबल हो गया, उसके विद इन 14 डेज में आपको गुड्स छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा, मतलब ओनर जो भी होगा उसको गुड्स छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा। गुड्स छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा विद इन व्हाट टाइम? 1/4 14 डेज में आपको गुड्स छुड़वाने के लिए जाने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। बोलो क्लियर। अभी अभी जैसे आप गुड्स छुड़वाने के लिए जाएंगे, समझने का ट्राई करो, जैसे आप गुड्स छुड़वाने के लिए जाएंगे, डिपार्टमेंट का जो प्रॉपर ऑफिसर जो आपके गुड्स डिटेन करके बैठा है, सीज करके बैठा है, वो आपको एक नोटिस इश्यू करेगा। वो नोटिस में क्या लिखा होगा? अमाउंट ऑफ पेनल्टी, अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स। क्लियर, डन। ओके, ये आपको गुड्स छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा विद इन व्हाट टाइम? आपको गुड्स छुड़वाने के लिए जाना है विद इन 1/4 14 डेज। बट ये 14 डेज, ये 14 डेज के टाइम लिमिट कोई कोई केस में कम भी हो सकती है। कौन से केस में कम हो सकती है वो पहले डिस्कस करके प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। तो ये 14 डेज का टाइम कभी कभी कम भी हो सकता है। 14 डेज कैन बी रिड्यूस्ड इन केस ऑफ, ये जो 14 डेज का आपके पास टाइम लिमिट है गुड्स छुड़वाने के लिए जाने का, वो कभी कम भी हो सकता है। कौन से केस में उसमें रिडक्शन आ सकता है? पॉइंट नंबर 1, व्हेन गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, मतलब समझने का ट्राई करो, वो वेजिटेबल्स है, वो फ्रूट्स है, वो कुछ लेटर्स है, फूड आइटम्स है, तो वो पेरिशेबल नेचर में है, इट इज सो पॉसिबल। तो उस सिचुएशन में एग्जाम्पल के तौर पर हम टमाटर की बात करें, आप टमाटर को 14 डेज में छुड़वाने के लिए नहीं गए, एंड सख्त गर्मी हमारे वहां पर तो पड़ती है, आपको पता ही है हमारा टेम्परेचर, मतलब हमारे एटमोसफेयर का टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। राजस्थान में एग्जाम्पल के तौर पे टमाटर की लेटर से ट्रक को पकड़ा गया था, एंड टेम्परेचर 50 डिग्री था, एंड आप 14 डेज के एग्जैक्ट 14 डेज को गुड्स छोड़ने के लिए गए, तो तब तक वो सूप बन चुका होगा, पता चला जो मैं कहना चाहता हूं। तो टमाटर के केस में, ऐसे कोई भी पेरिशेबल गुड्स के केस में, आपके 14 डेज वो जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो 4 डेज भी कर सकता है, 3 डेज भी कर सकता है, इन शॉर्ट जो भी अमाउंट उसको ठीक लगे उतने डेज से वो कम कर सकता है। नेक्स्ट, एक पेरिशेबल गुड्स, नेक्स्ट आएगा गुड्स ऑफ हैजार्डियस इन नेचर, मतलब आपके गुड्स कैसे पता है उसमें कुछ क्रैकर्स थे एग्जाम्पल के तौर पर, हैजार्डियस थे, कुछ डेंजरस गुड्स थे, उस केस में बहुत टाइम डेंजरस गुड्स पड़े रहे तो रिस्क रहेगा उसके चोरी का, बाद में उसका मिसयूज का रिस्क रहेगा। तो इस सिनेरियो में डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? आपके 14 डेज का जो टाइम लिमिट है वो भी कभी कम भी कर सकता है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, गुड्स लाइकली टू डेप्रिशिएट इन वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम, कभी कभी क्या होगा गुड्स की वैल्यू में रिडक्शन आएगा विद पैसेज ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, छोटी सी बात करें इन रिलेशन टू कोई फूड आइटम, एग्जाम्पल के तौर पे हम खाखरा की बात कर लेते हैं। चलो अभी समझो, खाखरा आज मैंने बनाया जो एकदम फ्रेश खाखरा था, उसका उसका स्वाद कैसे आएगा? खाखरा जैसा स्वाद आएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बट वही खाखरा मैं 2 साल के बाद कंज्यूम करूँ, उसका खाखरा का स्वाद कैसा आएगा? पता चला, तो वो खाखरा की वैल्यू तो है, आज के खाखरा की वैल्यू भी है, उस खाखरा की भी वैल्यू है, पर वो खाखरा जनरली ह्यूमन कंज्यूम नहीं करेंगे, उसको जनरली एनिमल्स को खिला देंगे, तो उसकी वैल्यू तो आएगी बट उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाएगी विद पैसेज ऑफ टाइम। उसकी टाइम लिमिट होती है जिसमें वो कंजम्पशन कर देना पड़ेगा, बट जो उसका कंजम्पशन नहीं हुआ है इन टाइम, तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी विद पैसेज ऑफ टाइम। क्लियर, तो ऐसी कोई भी गुड्स है जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है विद पैसेज ऑफ टाइम, उसके लिए डिपार्टमेंट 14 डेज से कभी कम पीरियड भी आपके लिए अवेलेबल कर सकता है। तीन चीज में आपके 14 डेज टाइम लिमिट डिडक्शन भी आ सकता है। फर्स्ट बोलो कौन सा? इट इज फ्रेंड्स पेरिशेबल, नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ हैजार्डियस नेचर, एंड लास्ट इज गुड्स डेप्रिशिएट्स इन वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम। इस तीन केस में आपके 14 डेज का टाइम कम भी हो सकता है। क्लियर, सेक्शन 129 के ऊपर वापस आते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट, बरोबर समझने का ट्राई करो, यहां से आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या हुआ,
आपके गुड्स ट्रांजिट में थे। लास्ट में पूरा मैं फ्लो ड्रॉ करूंगा, पर उसके पहले मगज में पूरा फ्लो डेवलप करना है। मैं ड्रॉ करके नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ने के बाद खुद से ड्रॉ करेंगे आप, तो प्रोसेस एकदम मगज में फिट हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, आपके गुड्स ट्रांजिट में थे, ट्रांजिट में हो रहा था क्या? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांजिट में क्या हो रहा था? उसका स्टोरेज, विच वॉज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, आपके गुड्स को, आपके कन्वेंस को सीज किया, आपके कन्वेंस को डिटेन किया। डिटेंशन के बाद, सीजर के बाद डिपार्टमेंट इश्यू करेगा ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ वॉट? डिटेंशन। ऑर्डर ऑफ वॉट? सीजर। उसके विद इन 14 डेज में आपको गुड्स छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा। 14 डेज के टाइम लिमिट में कभी कमी भी आ सकती है। तीन केस में कमी आएगी। नंबर वन, फर्स्ट इज लेट अस से गुड्स जो पेरिशेबल नेचर के थे, हैजर्डस नेचर के थे, एंड विच डेप्रिशिएट इन वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम। तो तीन केस में 14 डेज से कभी कम भी आपका टाइम लिमिट हो सकता है। क्लियर इतना? अभी जैसे 14 डेज में आप गुड्स छुड़वाने के लिए गए, जो प्रॉपर ऑफिसर वहां पे आपके गुड्स रिटर्न करके बैठा है, कन्वेंस रिटर्न करके बैठा है, सीज करके बैठा है, वो आपको क्या इश्यू करेगा? नोटिस। एंड वो नोटिस में क्या लिखी होगी? अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स। कितना आपको पैसा भरना पड़ेगा वो नोटिस में लिखा होगा, बिकॉज आपको तो नहीं पता होगा ये प्रोविजंस, तो उसको ये प्रोविजन पता होंगे, उसके पास ये प्रोविजंस का पूरा ये समरी चार्ट उसके पास अवेलेबल होगा, तो वो आपको एक नोटिस देगा जिसमें क्या लिखा होगा? अमाउंट ऑफ पेनल्टी और अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स। क्लियर? देखो, नोटिस शैल बी इश्यूड स्पेसिफाइंग अमाउंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी पेएबल। मतलब नोटिस में लिखा होगा व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स यू आर रिक्वायर्ड टू पे, व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज इंपोज्ड ऑन टू यू। ओके, एंड देन आफ्टर वाला प्रोविजन बाद में पढ़ते हैं, मैं ये पढ़ना चाहता हूं अमाउंट टू बी पेड। नोटिस में कितनी अमाउंट लिखी होगी वो इस प्रोविजन का हार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, गजब 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 इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन हमारे, अमाउंट टू बी पेड। पहले इस एलिमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, अमाउंट टू बी पेड। पहले ओवरऑल इतना है जिसको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर? अमाउंट टू बी पेड, कितना पैसा हमको भरना पड़ेगा फॉर रिलीज ऑफ गुड्स? हमको पैसा भरना पड़ेगा जो नोटिस में लिखा होगा, द ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। मतलब गुड्स का ओनर है वो ही आ जाता है, मतलब जरूरी नहीं है कि मुकेश अंबानी खुद से आए, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है फॉर द पर्पस ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स। मतलब अथॉरिटी से आता है, सिंपल वर्ड्स में समझाओ तो ओनर की अथॉरिटी से आता है, ओनर के बिहाफ पे आता है, ओनर को वो प्रेजेंट कर रहा है, जरूरी नहीं ओनर हिमसेल्फ ही जाए, अदरवाइज कंपनी के केस में कौन जाएगा? कंपनी का कॉमन सेल जाएगा, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड जाएगी। तो इट इज नॉट सो, इट इज ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, और इट इज रिप्रेजेंटिंग और ही इज रिप्रेजेंटिंग द ओनर। तो इफ द ओनर ऑफ गुड्स कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, मतलब ओनर कम्स फॉरवर्ड, ओनर आता है, तो फ्रेंड्स आपके गुड्स टैक्सेबल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा आपको। जब आपके गुड्स टैक्सेबल होंगे तो कितना पे करना पड़ेगा, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहां पे वर्ड इस्तेमाल किया है पे, कितना पे करना पड़ेगा, ये पेनल्टी नहीं है, ये पे कितना करना पड़ेगा वो अमाउंट नोटिस में लिखी होगी, कितना पे, पे पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कितना पे करना पड़ेगा, तो एप्लीकेबल टैक्स, उसका जो भी टैक्स होगा वो अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। 1 लाख के गुड्स थे, 18,000 का जीएसटी था, तो 18,000 आपको भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो 18,000 इज योर एप्लीकेबल टैक्स, इसका पेमेंट अभी आपको करना पड़ेगा, तो 18,000 इज योर एप्लीकेबल टैक्स प्लस 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 पेनल्टी। एग्जाम में जब भी आपको फ्रेंड्स पेनल्टी पूछी जाए तो आपको ये पेनल्टी लिखनी पड़ेगी विच इज 100% ऑफ टैक्स। बहुत बार चार्टर्ड अकाउंटेंट एरर कर लेते हैं, ध्यान नहीं रखते, छोटी 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 गलतियां हो जाती है, यहां पे ध्यान रखना है पे कितना करना है, एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी विच इज 100% ऑफ टैक्स, एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी एट द रेट 100% ऑफ टैक्स। जो आपको पेनल्टी पूछी जाए तो 100% ऑफ टैक्स लिखना पड़ेगा, नोटिस में अमाउंट कितनी पे करने को लिखी होगी वो पूछे तो क्या लिखना पड़ेगा, एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी विच इज एट द रेट 100% ऑफ टैक्स, तो ये आपको मेंशन करना होगा। क्लियर? तो जो ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टैक्सेबल गुड्स, एग्जम्प्टेड गुड्स। जो टैक्सेबल गुड्स होगा तो पे 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 कितना करना पड़ेगा इज एप्लीकेबल टैक्स प्लस 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 पेनल्टी विच इज 100% ऑफ टैक्स। क्लियर? अभी आपका मानना ऐसा है कि ये प्रॉपर ऑफिसर ने जो भी आपको रास्ते में पकड़ा है, समझने का ट्राई करो, प्रॉपर ऑफिसर ने जो भी आपको रास्ते में पकड़ा है वो इनअप्रोप्रिएट है, वो बरोबर नहीं है, वो बरोबर नहीं है, आपने प्रोविजन का वैल्यूएशन किया ही नहीं था, समझने का ट्राई करो, आपने प्रोविजन का वैल्यूएशन किया ही नहीं था। वो प्रॉपर ऑफिसर कहता है ना प्रोविजन का वैल्यूएशन है, ईवी बिल बरोबर नहीं है, आपने बोला ना ईवी बिल बरोबर है, आपको पता नहीं चला ईवी बिल के प्रोविजन अमेंडमेंट आया, तुमको तुम्हारे में बुद्धि नहीं है, ऐसा प्रॉपर ऑफिसर को कहते हो। प्रॉपर ऑफिसर कहता है ना ये बरोबर ही, आपने ईवी बिल बरोबर नहीं बनाया है, वहां पर झगड़ा झगड़ी शुरू हो गई। जैसे झगड़ा झगड़ी शुरू हो गई वहां पर रास्ते में सारे लोगों को आप बुला दोगे, वहां पर अपेलेट अथॉरिटी आ जाएगी, वहां पर रजिस्टर्ड आ जाएगा, वहां पर हाई कोर्ट आ जाएगा, वहां पर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। तो वो अभी ऑर्डर तो पास कर देगा, बट आप रेडी नहीं होते हो वो पेमेंट करने के लिए, समझने का ट्राई करो, आप रेडी नहीं हो, उसने जो भी बोला आप रेडी नहीं हो, मैं ये पे नहीं करूंगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या फर्निश करो सिक्योरिटी। आप अपील में जाना चाहते हो, आप क्या फर्निश करेंगे सिक्योरिटी। आप अग्री नहीं करते हो कि आपने जो भी ऑफेंस किया है वो बरोबर है, आपका ईवी बिल बरोबर नहीं था, आप मानते नहीं हो, तो आप क्या करो, फर्निश करो सिक्योरिटी। ये जो भी आपको सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी इट इज इन फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। मतलब जो भी पैसा नोटिस में लिखा होगा उतना बैंक गारंटी आप फर्निश करो, बैंक गारंटी मतलब बैंक आपको वो गारंटी डॉक्यूमेंट देगा, वो आप जाके फर्निश कर दो, आपके गुड्स रिलीज हो जाएंगे।
पता चला, जो आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो पे कर दो टैक्स इंटरेस्ट, आपका जो भी लेट सॉरी आपको आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी विच इज 100% ऑफ टैक्स, इतना आपको पे करना पड़ेगा, पे कर दो और जो बाय बाय टाटा स्टोरी खत्म हो गई। बट आप नहीं मानते हो कि ये सीजर जो भी हुआ है रास्ते में वो बरोबर है, आप नहीं मानते हो कि ये जो पर्टिकुलर डिटेंशन डिटेंशन हुआ है वो बरोबर है, तो वहां पर झगड़ा झगड़ी तो पॉसिबल नहीं है। तो आप काम करो, उसने नोटिस में जो भी अमाउंट लिखी होगी ये नोटिस वो आपको इशू करेगा फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, नोटिस में जो भी अमाउंट लिखी होगी उसको आप एज अ बैंक गारंटी फर्निश कर दो, मतलब बैंक में जाके इतना पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, बैंक आपको गारंटी डॉक्यूमेंट देगा, वो बैंक गारंटी फर्निश करेगा, मतलब बैंक गारंटी आपको जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्लियर। तो डिपार्टमेंट में जाके आपने वो अमाउंट सबमिट कर दी, वो बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिया, उसके बेसिस के ऊपर आपके गुड्स का वो क्या करना पड़ेगा, उसको रिलीज, क्लियर। तो हर एक बार क्या आएगा, ये पे करो और क्या फर्निश करो, सिक्योरिटी, बट सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी इन विच फॉर्म, इट इज बैंक गारंटी, क्लियर। चलो शुरू करते हैं। अमाउंट टू बी पेड, ओनर ऑफ दी गुड्स गया, गुड्स छुड़वाने के लिए सामने से गया, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, टैक्सेबल गुड्स, एग्जम्प्टेड गुड्स, टैक्सेबल गुड्स कितना पे 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 कितना पे करना पड़ेगा, इस फ्रेंड्स एप्लीकेबल टैक्स प्लस 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 विच इज पेनल्टी एट द रेट 100% ऑफ टैक्स, आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स, ये नहीं पे करना है आपको, अपील में जाना है, क्या फर्निश करो, सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, बोलो क्लियर, एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जम्प्ट गुड्स, जब आपके गुड्स का नेचर एग्जम्प्ट था, समझने का ट्राई करो, जब आपके गुड्स का नेचर एग्जम्प्ट था तो कितना पे 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 करना पड़ेगा, जो फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेबल टैक्स तो होगा नहीं, सो अलग से प्रोविजन बनाने की डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है, तो कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा विच इज 2% वैल्यू ऑफ गुड्स, आपके गुड्स का जो भी वैल्यू होगा उसका 2% आपको पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी, और मैक्सिमम ₹25,000, मैक्सिमम वर्ड से आपको याद रहेगा क्या करना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर, मतलब ₹1,00,000 आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स आई एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसका 2% मतलब 2000 और 25000 क्या करना पड़ेगा, व्हिच एवर इज लोअर। आप नहीं मानते ये बरोबर हुआ है, ये जो सीजर हुआ है, जो डिटेंशन हुआ है वो बरोबर नहीं है, आप क्या फर्निश कर सकते हो, सिक्योरिटी अगेन इन व्हिच फॉर्म, बैंक गारंटी, बोलो क्लियर, डन, एकदम मजबूत। चलो शुरू हो जाओ फ्रेंड्स, वापस एक बार मगज में एकदम पिक्चर क्लियर करते चलो, आपके गुड्स कहां पे थे, ट्रांजिट में थे, बरोबर सोचना शुरू कर दो, आपके गुड्स कहां पे थे, आपके गुड्स ट्रांजिट में थे, ट्रांजिट में क्या कर रहे थे, ट्रांजिट में उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, ऑब्वियसली ट्रांजिट में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, और उसका स्टोरेज हुआ था, कोई जगह पे अभी अटके हुए थे, आपके अभी रास्ते में थे, एक आध दिन के लिए आपका स्टोरेज रिक्वायरमेंट था, तो आपके गुड्स ट्रांजिट में थे, वहां पे आपने ट्रांसपोर्टेशन किया, वहां पे आपने उसका क्या किया, स्टोरेज, विच वॉज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दीज एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, तो क्या होगा, डिपार्टमेंट का प्रॉपर ऑफिसर जो आपको आइडेंटिफाई कर लेता है रास्ते में, तो डिपार्टमेंट उसका कर सकता है डिटेंशन, डिपार्टमेंट कर सकता है उसका सीजर, क्लियर। सीजर का मतलब आपके गुड्स आपके कन्वेंस को उनके पोजीशन में ले लेगा, एंड 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 डिटेंशन का मतलब इसको रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स यूसेज, आपको यूज करने से मना कर देगा, बाद में इमीडिएटली जैसे आपका रिटेंशन हुआ, जैसे आपका सीजर हुआ गुड्स का कन्वेंस का, इमीडिएटली वो क्या इशू करने वाला है, आपको ऑर्डर, वो आपको ऑर्डर इशू करेगा, ऑर्डर के इशू होने के बाद, ऑर्डर इज ऑफ डिटेंशन, ऑर्डर इज ऑफ सीजर, वो ऑर्डर इशू करने के बाद विद इन 14 डेज आपको गुड्स छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा, विद इन 14 डेज आपको गुड्स छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा। ओके सर, 14 डेज में नहीं गए तो चिंता ना करो, वो भी प्रोविजन हमारे पास अवेलेबल है, डोंट वरी। सो 14 डेज में आप गुड्स छुड़वाने के लिए नहीं गए तो उस गुड्स का हो सकता है कॉन्फिस्केशन, मतलब डिपार्टमेंट उसका ओनरशिप भी उसके नाम पे ट्रांसफर कर देगा। पता चला क्या हो गया, आपको गुड्स छुड़वाने के लिए जाना है विदिन 1/4 14 डेज, आप नहीं गए तो उसका ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, डिपार्टमेंट वो कन्वेंस का ओनर हो जाएगा, डिपार्टमेंट वो गुड्स का ओनर हो जाएगा, तो 14 डेज में गुड्स छुड़वाने के लिए चले ही जाना, जो नहीं जाते हो तो उसका हो सकता है कॉन्फिस्केशन, मतलब ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी, जिसको छुड़वाने के लिए 130 में जाना पड़ेगा, क्लियर। तो अभी हो सकता है उसका कॉन्फिस्केशन, जो 14 डेज में गुड्स छोड़ने के लिए नहीं गए तो, जो 14 डेज में आप गुड्स छोड़ने के लिए जाते हो तो पहले मुझे बताओ क्या 14 डेज से आपका टाइम लिमिट कभी कम भी हो सकता है, एब्सोल्युटली यस, आपका 14 डेज से टाइम कम भी हो सकता है। कौन से केस में टाइम लिमिट कम हो जाएगी, तीन केस में फ्रेंड्स, पेरिशेबल गुड्स, हैजर्डियस नेचर ऑफ गुड्स एंड गुड्स डेप्रिशिएट्स इन वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम, ये तीन केस में आपके 14 डेज का टाइम कम भी हो सकता है। चलो गुड्स छोड़ने के लिए आप चले गए विद इन 14 डेज, तो डिपार्टमेंट आपको क्या इश्यू करेगा, नोटिस। आप छुड़वाने के लिए जाते हो, जो जगह पे आपका डिटेंशन हुआ है वहां पे गुड्स छुड़वाने के लिए गए, प्रॉपर ऑफिसर वहां पे शांति से बैठा होगा, आपको क्या इशू करेगा, नोटिस। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या इशू करने वाला है, नोटिस। नोटिस में क्या लिखा होगा, अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जो इस चैप्टर का हार्ट है, बरोबर समझने का ट्राई करो, अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स, बिकॉज आपको तो अमाउंट पता नहीं होगा कितना पे करना पड़ेगा, वो अमाउंट वो नोटिस में मेंशन करेगा, कितना अमाउंट लिखा होगा डिपेंड करेगा, ओनर ऑफ द गुड्स गया, ओनर ऑफ द गुड्स नहीं गया, उसका डिस्कशन भी बाकी है, ओनर ऑफ द गुड्स गया, ओनर ऑफ द गुड्स उसको छुड़वाने के लिए जाता है तो कितना पैसा भरना पड़ेगा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट इज टैक्सेबल गुड्स, सेकंड इज एग्जम्प्टेड गुड्स। बोलो टैक्सेबल गुड्स कितना करूं, पे 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 करना पड़ेगा एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी व्हिच इज 100% ऑफ टैक्स, एप्लीकेबल टैक्स पूरे पूरा पे करो प्लस पेनल्टी कितनी पे करो, 100% ऑफ टैक्स, और क्या फर्निश करना पड़ेगा आपको, सिक्योरिटी व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, क्लियर। अपील में जाना चाहते हो, यह पैसा नहीं भरना चाहते, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो बैंक गारंटी फर्निश करो, बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट आपको इश्यू करेगा बैंक, वो जाके फर्निश कर दो, आपके गुड्स रिलीज हो सकते हैं। इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स कितना पे 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 इज 2
परसेंटेज वैल्यू ऑफ गुड्स और रुपीज 25,000 क्या करना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर। बोलो क्लियर। सेकंड सिचुएशन आती है फ्रेंड्स, इफ वन ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, मतलब सपोज ट्रांसपोर्टर आउटसाइड एजेंसी था, GTA था, तो उसने आपको इंटीमेट किया आपकी गुड्स छुड़ाने के लिए आप चले जाओ, बट आप नहीं जाते हो गुड्स छुड़ाने के लिए, अनफॉर्चुनेटली कोई रीजन से आप अपने गुड्स छुड़ाने के लिए नहीं जाते हो, तो जब आप नहीं गए गुड्स छुड़ाने के लिए तो लोचा क्या होगा, GTA अपना ट्रक भी कॉन्फिस्केट करवा देगा, GTA का ट्रक भी कॉन्फिस्केट हो जाएगा। छुड़वाने के लिए जाना है आपको आपके गुड्स, समझे मैं जो कहना चाहता हूं, ट्रक आपकी थी, ट्रक GTA की थी, गुड्स आपके थे, समझने का ट्राई करो, गुड्स आपके थे, ट्रक GTA की थी, आपने कुछ ईवी बिल का लोचा कर दिया था, रास्ते में गुड्स पकड़े गए, आपको जाना था गुड्स छुड़वाने के लिए, ट्रक में कोई तकलीफ नहीं थी, आपको गुड्स छुड़ने के लिए जाना था, आप नहीं जाते हो, GTA आपको इंटीमेट करता है कि आपके रास्ते में गुड्स पकड़े गए थे, ईवी बिल में लोचा था, फटाफट आप गुड्स छुड़ने के लिए चले जाओ। आप विद इन 1-4-14 days गुड्स छुड़ने के लिए नहीं जाते हो तो फ्रेंड्स आपके गुड्स तो गए ही गए, बट उसका कन्विंस भी चला जाएगा, तो वो ऐसा रिस्क क्यों ले, आपको वो फोन पे ऊपर फोन के ऊपर फोन करता है कि छुड़वाने के लिए जाओ गुड्स छुड़वाने के लिए जाओ गुड्स छुड़वाने के लिए जाओ, बट आप नहीं जाते हो तो उसके उसके कन्विंस के ऊपर तो रिस्क आ जाएगा अननेसेसरीली, तो वो क्या करेगा, आप नहीं छुड़वाने के लिए जाते हो तो फाइनली अदर देन ओनर गुड्स छुड़वाने के लिए जाएगा, समझने का ट्राई करो, अदर देन ओनर गुड्स छुड़वाने के लिए जाएगा, मतलब इफ ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड का मतलब ओनर नहीं आता है, मतलब ऐसा नहीं है ओनर नहीं आता है मतलब कोई नहीं आता है गुड्स पड़े रहे, अदर देन ओनर का मतलब ओनर नहीं आता है कोई और उसको छुड़वाने के लिए आता है, GTA आ जाएगा, ट्रांसपोर्टर होगा यहाँ पे, वेयर हाउस ओनर होगा यहाँ पे, जो आपके गुड्स छुड़वाने के लिए आता है, जो ओनर ऑफ द गुड्स नहीं आता है तो GTA आता है, GTA को कितना पैसा भरना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा, कितना पैसा भरना पड़ेगा आप चेक करो, तो एप्लीकेबल टैक्स, टैक्सेबल गुड्स जो भी होंगे वो मतलब टैक्सेबल गुड्स के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल टैक्स, जो भी आपका एप्लीकेबल टैक्स होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, प्लस 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 सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पेनल्टी है, जब आपको पेनल्टी पूछे तो आपको ये मेंशन करके आना पड़ेगा पेनल्टी कितनी होगी, मगज बंद हो जाए उतनी आपकी पेनल्टी है, 50% वैल्यू ऑफ गुड्स, अरे बाप रे बाप कितना पेनल्टी हो गया, सपोज 500 चेयर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो तो 25 चेयर जितना था आपका पेनल्टी, बाप रे बाप, पता चला 1,00,000 यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो तो 50,000 यूनिट्स, वो 50% वैल्यू को प्रेजेंट करेंगे ना, तो 50% वैल्यू ऑफ गुड्स आपकी पेनल्टी, प्लस उसका टैक्स आपको भरना पड़ेगा, उसमें से सपोज कोई टैक्स का पेमेंट ऑलरेडी आपने कर दिया हो तो उसको हम यहां से लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, लेस टैक्स पेड थेरॉन, उसके ऊपर शायद कोई टैक्स का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका हो तो उसको हम यहां से लेस कर देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ओके, बट लगभग यहाँ पे आप चेक करो तो जो पेनल्टी है वो थोड़ी सीवियर पेनल्टी है, मेरा मानना ऐसा है, बिकॉज बहुत 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 क्वांटिफिकेशन है, मतलब ओनर चला ही जाएगा छुड़वाने के लिए, इसलिए तकलीफ ना पड़े फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं, ओनर नहीं गया तो कितना आपको पैसा पे 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 करना पड़ेगा, तो पे करो एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी विच इज 50% वैल्यू ऑफ गुड्स, उसमें से लेस क्या करेंगे, टैक्स पेड थेरॉन, आप नहीं मानते हो ऐसा तो क्या फर्निश करेंगे आप, सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, पता चला डर, फ्रेंड्स आपके मन में ऐसा डाउट आता होगा, सर GTA तो छुड़वाने के लिए, बट सर बाद में ओनर जब वापस GTA के पास जाएगा तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स GTA ये पैसा रिकवर करेगा इस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, समझने का ट्राई करो, GTA ने छुड़वा दिए गुड्स, इतना सारा हैवी पेनल्टी उसने पे कर दिया, बाद में गुड्स तो उसके पास है, बाद में गुड्स GTA के पास आ गए, बाद में गुड्स GTA के पास आ गए, एंड ओनर जब GTA के पास जाता है गुड्स छुड़वाने के लिए, GTA क्या बोलेगा, मैंने तुझको फोन किए थे 500 तुझे फोन किए, तू रिसीव नहीं कर रहा था, 400 में छुड़वाने के लिए नहीं आया गुड्स, मेरा कन्विंस कॉन्फिस्केट होने वाला था तो मैंने ये पैसे पे कर दिया, एक काम कर तू मुझे इतना पैसा भर दे मैं गुड्स तुझे दे दूंगा, पता चला, और आता ही नहीं है तो GTA अल्टीमेटली वो गुड्स बेच के जो भी पैसा आएगा उसमें से ये पैसा रिकवर कर देगा, जो बैलेंस बचेगा उसको ओनर को एथिकली दे देना चाहिए, बोलो पता चला जो मैं समझाना चाहता हूं, GTA यहां पे गुड्स छुड़वाएगा मतलब ऐसा नहीं होगा वो गुड्स उसके हो गए, गुड्स तो ओनर है उसके ही रहेंगे, बट ओनर जब गुड्स छुड़ाने के लिए आएगा, समझने का ट्राई करो, ओनर जब गुड्स छुड़ाने के लिए आएगा तब 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 GTA ये पैसा उससे 100% रिकवर, मतलब जितना भी पे किया उतना रिकवर करके ही गुड्स रिलीज करेगा, एथिकल ये लॉजिकल पॉइंट है फ्रेंड्स, ऐसा क्लियर, चलो शुरू करते हैं, जब आपके गुड्स ट्रांजिट में थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस मगज में फिट करते, चलो लास्ट में उसका मैं फ्लो ड्रॉ करूंगा तो एकदम परफेक्ट पता चलेगा, बट पता अब चलाना है, तब फ्रेंड्स मगज में फिट हो जाना चाहिए, पर ये स्टेप नंबर 1, 2, 3 वगैरह, चलो आपके गुड्स जब ट्रांजिट में थे तब आप इधर आप उसको स्टोर करते हो, आप उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हो, विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, योर ट्रांसपोर्टेशन योर स्टोरेज इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, एज आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट कर लेता है तो क्या होगा, आपके गुड्स का सीजर होगा, आपके गुड्स का डिटेंशन होगा, जैसे सीजर हुआ जैसे डिटेंशन हुआ
इमीजिएटली प्रॉपर ऑफिसर उसका एक ऑर्डर आपको इश्यू करेगा, विच इज ऑर्डर ऑफ डिटेंशन, विच इज ऑर्डर ऑफ सीजर। एक बार आपका ऑर्डर इश्यू हो चुका, उसके बाद आप गुड्स छुड़वाने के लिए जाओगे विद इन 1/4 14 डेज। तो 1/4 14 डेज में गुड्स छुड़ाने के लिए आप नहीं जाते हो तो डिपार्टमेंट क्या कर देगा, उस चीज का कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 130। तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएंगे, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, 14 डेज में छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा, मैंडेटरी है। क्या 14 डेज से कभी टाइम लिमिट कम भी हो सकती है? एब्सोल्युटली यस। 14 डेज से कम कब होगी ये टाइम लिमिट? जब आपके गुड्स पेरिशेबल होंगे, हैजर्डस नेचर के होंगे और इट डेप्रिशिएट्स इन वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम। तो ये तीन केस में आपका 14 डेज का टाइम लिमिट कम भी हो सकता है। अभी आप गुड्स छुड़वाने के लिए गए एंड डिपार्टमेंट आपको अभी क्या इश्यू करेगा? नोटिस। जब आप छुड़वाने के लिए गए, गुड्स जहां पे गुड्स पकड़े गए थे वहां पे आपको छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा, तो डिपार्टमेंट का जो प्रॉपर ऑफिसर वहां पे बैठा होगा आपको क्या इश्यू करने वाला है? नोटिस। वो नोटिस में क्या लिखा होगा? अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स, जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ओनर ऑफ द गुड्स गया, ओनर ऑफ द गुड्स नहीं गया मतलब ट्रांसपोर्टर गया मतलब वेयरहाउस ओनर गया, समझ में आया? तो ओनर ऑफ द गुड्स गया, ओनर ऑफ द गुड्स गया तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा? तो पैसा पे करना पड़ेगा, समझने का ट्राई करो, पैसा पे करना पड़ेगा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ओनर गया, पैसा पे करना पड़ेगा दो पार्ट में डिवाइड किया, टैक्सेबल गुड्स, एग्जम्प्टेड गुड्स। टैक्सेबल गुड्स कितना करूं? पे 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 मुझे पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी, एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी विच इज एट द रेट 100% ऑफ टैक्स। मतलब एप्लीकेबल टैक्स जो है वो पे करो, प्लस पेनल्टी पे करो 100% ऑफ टैक्स, और क्या फर्निश करो? सिक्योर इन फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स था, कितना करूं? पे 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 आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल टैक्स, सॉरी आपको यहां पे एप्लीकेबल टैक्स तो होगा नहीं बिकॉज एग्जेम्प्टेड गुड्स है, तो आपको पे करना पड़ेगा 2% वैल्यू ऑफ गुड्स। खुद से बोलने का ट्राई करो, 2% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 क्या करना पड़ेगा? विच एवर इज लोअर। तो टैक्सेबल गुड्स होगा तो पे करो एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स, और क्या फर्निश करो? सिक्योरिटी। एंड जो एग्जेम्प्टेड गुड्स होगा तो पेनल्टी कितनी होगी जो आपको पे करनी पड़ेगी? इट इज फ्रेंड्स 2% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 क्या करना पड़ेगा? विच एवर इज लोअर। क्लियर? अभी ओनर नहीं गया, अदर देन ओनर गया मतलब जीटीए गया, वेयरहाउस ओनर गया, तो कितना आपको पे करना पड़ेगा? सर वेयरहाउस ओनर कैसे जाएगा? अरे ट्रांजिट में था, वेयरहाउस ओनर के वहां से आपके गुड्स पकड़े गए, पता चला उसमें भी बिल नहीं था, रास्ते में भी ट्रांजिट हो रहा था, 24 आवर्स को जगह पे स्टोरेज था, तो तब आपके गुड्स पकड़े गए, आइडेंटिफाई हुए, तो वेयरहाउस ओनर यहां पे छुड़वाने के लिए जाने वाला है आपके गुड्स। ओके, तो जो आपके गुड्स टैक्सेबल गुड्स है तो टैक्सेबल गुड्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा? आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल टैक्स, सुना कैरफुली, आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल टैक्स प्लस प्लस पेनल्टी, जोरदार सीवियर पेनल्टी है विच इज 50% वैल्यू ऑफ गुड्स। एंड जो कोई टैक्स का पेमेंट पहले हो चुका उसको हम यहां से लेस कर देंगे, लेस टैक्स पेड थेरॉन। क्लियर? एंड नेक्स्ट, जो आपके गुड्स एग्जम्प्ट थे, सुना कैरफुली, जो आपके गुड्स एग्जम्प्ट थे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? विच इज फ्रेंड्स 5% वैल्यू ऑफ गुड्स, आपको पे करना पड़ेगा 5% वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब ट्रांसपोर्टर जो भी होगा वो पे करेगा 5% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 क्या होगा? विच एवर इज लोअर, और क्या फर्निश करो? सिक्योरिटी, जो आपको उसके लिए वहां पे अपील में जाना हो तो। बोलो क्लियर? तो ये जो 2% था वो यहाँ पे कितना हो चुका है? 5%, 25,000 कॉन्स्टेंट रहते हैं, विच एवर इज लोअर भी कॉन्स्टेंट रहता है, फर्निश करो सिक्योरिटी। चार केस में मतलब 4 out of 4 cases में आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। क्लियर? आई थिंक होपफुली एवरीथिंग इज नाउ क्लियर टू अस। अभी देखो लास्ट टाइम एक बार बोल देते हैं, फास्टेस्ट, ओनर ऑफ द गुड्स गया, टैक्सेबल गुड्स, एग्जम्प्टेड गुड्स, टैक्सेबल गुड्स कितना पे करो? खुद से बोलो फ्रेंड्स, टैक्सेबल गुड्स कितना पे करो? ये निकल देता हूं फ्रेंड्स यहां से। चलो अभी बोलने का ट्राई करो, टैक्सेबल गुड्स कितना पे करो? एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी विच इज 100% ऑफ टैक्स। एग्जम्प्टेड गुड्स कितना पे करो? 2% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 क्या करना पड़ेगा? विच एवर इज लोअर, अदर देन ओनर गया, ध्यान से, अदर देन ओनर गया तो कितना पे 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 पे, तो दो पार्ट में वापस डिवाइड करना पड़ेगा, टैक्सेबल गुड्स, एग्जम्प्टेड गुड्स, टैक्सेबल गुड्स कितना पे करो? एप्लीकेबल टैक्स प्लस 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 विच इज पेनल्टी एट द रेट 50% वैल्यू ऑफ गुड्स, लेस क्या करो? टैक्स पेड थेरॉन, जो भी टैक्स पेमेंट किया होगा उसको आप लेस कर दो, और लेट अस से एग्जम्प्टेड गुड्स होगा तो कितना पे करना पड़ेगा? 5% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 क्या करना पड़ेगा? विच एवर इज लोअर। चारों चार केस में जब अपील में जाना चाहते हो तो आप क्या फर्निश करेंगे? सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। बोलो क्लियर? चलो नोटिस में ये पैसा लिखा होगा, नोटिस में ये पैसा लिखा होगा जो आप पे करोगे, सुना केयरफुली, जो आप पे करोगे तो देन आफ्टर पो शेल पास ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। तो पो आपका ऑर्डर पास कर देगा कि आपका पेमेंट ऑफ टैक्स हो चुका है, आपका पेनल्टी का पेमेंट हो चुका है, आप अभी गुड्स लेके जा सकते हो। ये रिलीज ऑफ गुड्स का ऑर्डर पास हो गया, मतलब यहाँ पे आपको नोटिस दी जाएगी, नोटिस में क्या लिखा होगा? अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स और रिलीज ऑफ कन्वेंस ऑल्सो। तो आप ये पैसा भर दो, गुड्स आपके हो जाएंगे, गुड्स आप रिलीज करवा सकते हो, एंड जैसे आप उसका पेमेंट करोगे आपको ऑर्डर इश्यू होगा, ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, उसके बाद आप रिलीज सकते हैं आपके गुड्स, आप गुड्स आपके कन्वेंस लेके जा सकते हो। मगर में प्रोसेस एकदम फिट होगी, बरोबर समझने का ट्राई करते हैं लास्ट टाइम, बरोबर
आपके गुड्स ट्रांजिट में थे, मगज में एकदम फिट करते चलो, प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, सेक्शन 129। आपके गुड्स ट्रांजिट में थे, ट्रांजिट में थे तब आपने उसको ट्रांसपोर्ट किया, आपने उसको स्टोरेज किया, विच वॉज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। ऐसा आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रॉपर ऑफिसर आपको उसको रास्ते में पकड़ता है, रास्ते में पकड़ने के बाद आइडेंटिफिकेशन होता है, ईवी बिल नहीं था, ईवी बिल था तो एक्सपायर हो चुका था, तो इन दिस सिनेरियो इट वॉज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन। ओके, तो इन दिस सिनेरियो डिपार्टमेंट का जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो अभी एक ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर ऑफ डिटेंशन, ऑर्डर ऑफ सीजर। ऑर्डर पास हो गया, उसके विद इन 14 डेज में आपको गुड्स छुड़वाने के लिए जाना है। 14 डेज में नहीं जाते हो, गुड्स का कॉन्फिस्केशन हो जाएगा। 14 डेज में आप गुड्स छुड़वाने के लिए जाते हो तो क्या ये 14 डेज कभी गंभीर हो सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। पेरिशेबल, हैजार्डियस गुड्स डेप्रिशिएट्स इन वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम, ये 14 डेज आपका टाइम लिमिट कम भी हो जाएगा। सो 14 डेज में आप गुड्स छुड़वाने के लिए चले गए तो डिपार्टमेंट आपको क्या इशू करेगा? नोटिस। नोटिस में क्या लिखा होगा? अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स। वो पैसा भर देते हो तो बाद में डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी विच इज रिलीज ऑर्डर। सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोलना हो तो इसको बोल सकते हैं दैट इज रिलीज ऑर्डर, के आपके गुड्स, सॉरी फ्रेंड्स, इट इज रिलीज ऑर्डर के अभी आपके गुड्स आपके कन्वेंस को आप ले जा सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो चुका है इसके एक छोटे से फ्लो चार्ट डेवलप करने का, जिससे एकदम फिट आपके मगज में इस पिक्चर को आप समझ सको। फ्रेंड्स देखो हुआ क्या, आपके ट्रक, इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है फ्रेंड्स, आपको पता ही है मेरा, आपके ट्रक ट्रांजिट में थे, गुड्स वर इन ट्रांजिट, सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इन ट्रांजिट। आपके गुड्स शांति से कोई जगह पे बैठे हो, ट्रांजिट में ना हो, एंड आपके कोई जगह पे गुड्स आपके पर्टिकुलर आपके फैक्ट्री पे ही थे, तो ये प्रोविजन आपको एप्लीकेबल हो सकते हैं? नहीं, आपके गुड्स ट्रांजिट में थे। ट्रांजिट में दो चीज़ हो रही थी, एक हो रहा था उसका ट्रांसपोर्टेशन, एक उसका स्टोरेज। कोई जगह पे फ्रेंड्स टेम्पररी स्टोरेज भी रास्ते में हो सकता है, तो इधर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था और उसका क्या हो रहा था? स्टोरेज। एंड ये ट्रांसपोर्टेशन के ये स्टोरेज वॉज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन्स। जो प्रोविजन्स आपको फुलफिल करने चाहिए थे ट्रांजिट के लिए वो आपने फुलफिल नहीं किए। ऐसा आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट कर लेता है तो फ्रेंड्स इस गुड्स का डिपार्टमेंट करेगा सीजर, इस गुड्स का डिपार्टमेंट करेगा डिटेंशन। तो आपके गुड्स हो सकते हैं डिटेन, आपके गुड्स हो सकते हैं सीज। जैसे सीजर हुआ, जैसे डिटेंशन हुआ, प्रॉपर ऑफिसर का रोल है आपको इश्यू करना ऑर्डर ऑफ सीजर और ऑर्डर ऑफ डिटेंशन। जो भी उसने किया, डिटेन किया तो डिटेन का ऑर्डर, सीजर किया तो सीजर का ऑर्डर आपको इश्यू करना पड़ेगा मैंडेटरीली। जैसे आपको ऑर्डर इश्यू किया गया, जैसे आपको ऑर्डर इश्यू किया गया, आप उसको छुड़वाने के लिए जाएंगे विद इन 1/4 14 डेज। आपको गुड्स छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा विद इन 1/4 14 डेज। ये 14 डेज तीन केस में कम भी हो सकते हैं जो हमको पता है, जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं। पेरिशेबल, हैजार्डियस गुड्स डेप्रिशिएट्स इन वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम, तो पास में डिवीजन आएगा। जो पर्सन जाता है 14 डेज में, जो छुड़वाने के लिए जाता है, अदरवाइज जो नहीं जाता है तो क्या होगा? जो नहीं जाता है तो कॉन्फिस्केशन हो जाएगा फ्रेंड्स। कॉन्फिस्केशन कहां पे होगा? अंडर सेक्शन 130, इसके बाद की सेक्शन। एकदम सिंपल, जो 14 डेज में गुड्स छुड़वाने के लिए आप गए तो प्रॉपर ऑफिसर आपको एक नोटिस इश्यू करेगा। वो नोटिस में क्या लिखा होगा? नोटिस में लिखा होगा अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स।
अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स, वो अमाउंट आपको पे करनी होगी। कितनी अमाउंट आपको पे करनी होगी हमारे मगज में एकदम क्लियर है, तो एक लास्ट टाइम बोल देते हैं फ्रेंड्स। ओके क्लियर, शुरू करते हैं। ओनर ऑफ द गुड्स गया, ओनर ऑफ द गुड्स नहीं गया, ओनर ऑफ द गुड्स गया, टैक्सेबल गुड्स पे 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 कितना पे करूँ, एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी विच इज 100% ऑफ टैक्स। ओके फर्निश करो सिक्योरिटी, एग्जम्प्टेड गुड्स होगा तो पे 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 2% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लोअर। अदर देन ओनर गया, टैक्सेबल गुड्स होगा पे 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 एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी विच इज 50% वैल्यू ऑफ गुड्स लेस टैक्स पेड देयर ऑन। एग्जम्प्टेड गुड्स होगा तो आपको पे 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 5% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 क्या करना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर। हर केस में आपको आगे अपील में जाना हो तो आप क्या फर्निश करेंगे, सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। तो अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स नोटिस में मेंशन किया होगा, तो आप उसको पे कर देते हो तो आपको डिपार्टमेंट क्या इश्यू करेगा फ्रेंड्स, रिलीज ऑर्डर। अब अभी आपके गुड्स लेके जा सकते हो। क्लियर, एक छोटा सा फ्लो है जो मैंने डेवलप करने का ट्राई किया फ्रेंड्स। गुड्स आपके ट्रांजिट में थे, ट्रांजिट में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, स्टोरेज हो रहा था, विच वॉज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, तो आपके गुड्स आर लायबल फॉर द पर्पज ऑफ सीजर और डिटेंशन। प्रॉपर ऑफिसर जैसे ही आइडेंटिफाई करेगा कि आपके गुड्स लायबल है फॉर द पर्पज ऑफ सीजर और डिटेंशन, वो इमीडिएटली आपको आइडेंटिफाई करके मतलब आपके गुड्स को रोकेगा, सीजर करेगा, डिटेंशन करेगा, इमीडिएटली आपको एक ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास करने के विद इन 14 डेज आपको गुड्स छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा। आप नहीं जाते हो तो कॉन्फिस्केशन हो जाएगा। 14 डेज से 3 केस में आपके गुड्स मतलब 14 डेज में आपके 3 केस में आपके आपका ये टाइम लिमिट कम भी हो सकता है। एंड जो आप रिलीज करवाने के लिए जाते हो तो आपको नोटिस दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा अमाउंट टू बी पेड फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स। वो आप अमाउंट पे करते हो तो आपको क्या इश्यू किया जाएगा, रिलीज ऑर्डर। बोलो क्लियर, ये हमारा मगज में एकदम फ्लो पिक्चर क्लियर हो चुका है। अमाउंट टू बी पेड इस प्रोविजन का हार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट चेक करो, यहाँ पे लिख दो फ्रेंड्स सेक्शन 129। सो कभी आप नोट्स रिफर करो तो आपके रेफरेंस के लिए काम आए फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट आएगा, अभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बाद में सेक्शन हम रीड करेंगे। सब सेक्शन 5 चेक करो क्या हुआ। सीज्ड और डिटेन गुड्स मे बी रिलीज्ड ऑन प्रोविजनल बेसिस। अभी फ्रेंड्स हम समझो, आपका ट्रक अलग 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 आप ओन ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, आपके ट्रक में एग्जांपल के तौर पे 10 अलग अलग टाइप के गुड्स आ रहे थे, गुड्स ए, गुड्स बी, गुड्स सी, ऐसे अलग अलग 10 टाइप के गुड्स थे। उसमें से एक गुड्स सपोज ए टाइप के गुड्स थे, वो रेसिपिएंट को अर्जेंट बेसिस के ऊपर उसकी जरूरत थी, कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा, कोई ऐसा कोई भी रीजन है, उसको अर्जेंट बेसिस के ऊपर जरूरत थी, एंड आपके ट्रक को रास्ते में रोका जाता है। समझने का ट्राई करो, आपके ट्रक को रास्ते में रोका जाता है, उसमें पूरा प्रोसीडिंग्स में टाइम लगेगा, आप जाएंगे छुड़वाने के लिए, पहले वो ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर ऑफ डिटेंशन सीजर, आप छुड़वाने के लिए गए, उसमें कुछ माथा कोटे, वो अमाउंट बोलेगा इतना आपको पे करना है, उतना आप पे करेंगे, बाद में रिलीज होगा। आपको इमरजेंसी है, इमरजेंसी मतलब अभी के अभी आपको गुड्स आगे भेजने ही पड़ेंगे, रेसिपिएंट आपके 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 माथे के ऊपर बैठा है, एकदम 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 इमरजेंसी आ गई है, वो गुड्स आगे पहुंचाने ही पड़े, ऐसी सिचुएशन है तो क्या होगा। तो लॉ ने बोला आपके पास ऑप्शन है, यू मे हैव योर गुड्स रिलीज्ड ऑन प्रोविजनल बेसिस। ओ क्या बात है, ऐसा आंसर इज यस, यू मे हैव योर गुड्स रिलीज्ड ऑन प्रोविजनल बेसिस। वो एक गुड्स आपको चाहिए था ना, चलो कोई बात नहीं, एक गुड्स आप ले जाओ, बट उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी। अभी उसका जो भी एप्लीकेबल टैक्स है, जो भी एप्लीकेबल पेनल्टी है, अभी उसको भर दो, बाद में जो भी रिमेनिंग गुड्स है उसका हम शांति से प्रोसीडिंग्स करेंगे। अपील में जाना चाहते हो, बैंक गारंटी फर्निश करो, कोई चिंता नहीं है, बट एक गुड्स आपको अर्जेंट बेसिस के ऊपर जरूरत है ना, चलो फटाफट तुम उसको ले जाओ, हमको चिंता नहीं, बट ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी बाकी सारे गुड्स के लिए हम शांति से प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। अभी इमरजेंसी के केस में कोई भी एक गुड्स आपके आगे पहुंचाने हो तो हमारा लॉ इतना रूड नहीं है कि ना हम आगे नहीं जाने देंगे, भले कैसे भी इमरजेंसी हो। लॉ ने आपको ऑप्शन दिया, गवर्नमेंट ने आपको एक बेनिफिट अवेलेबल किया कि यू मे हैव योर गुड्स रिलीज्ड ऑन प्रोविजनल बेसिस बट ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी। इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा, इतना पेमेंट के बाद ही आपके गुड्स रिलीज हो सकते हैं ऑन प्रोविजनल बेसिस। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा, जब भी ये पूरा प्रोसीडिंग्स होगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। आपके गुड्स का डिटेंशन हुआ है, आपके गुड्स का सीजर हुआ है, तो भी डिपार्टमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि कोई तकलीफ तो नहीं है ना। अरे तकलीफ तो है, आपकी तकलीफ है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ऐसे प्रोविजन को वायलेट मत करना। सिंपल वर्ड्स में डिपार्टमेंट क्या प्रोवाइड करेगा फ्रेंड्स, आपको अपॉर्चुनिटी। ये सारा डिस्कशन एकदम सिंपल, अभी कोई चिंता नहीं है फ्रेंड्स। ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट एज स्पेसिफाइड अंडर 129 सबसेक्शन 1। ये जो अमाउंट लिखी थी ना फ्रेंड्स, ये जो अमाउंट थी हमारे पास पॉइंट नंबर 4 में, इट इज अंडर सेक्शन 129 सब सेक्शन 1।
ध्यान से, इट इज अंडर सेक्शन 129 सब सेक्शन 1, ये हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो अमाउंट स्पेसिफाइड है विच यू नीड टू पे फॉर रिलीज ऑफ गुड्स, इट इज प्रिस्क्राइब्ड वेयर, इट इज प्रोवाइडेड वेयर, अंडर सेक्शन 129 सब सेक्शन 1। तो फ्रेंड्स ये जो अमाउंट आपको पे, आपने अमाउंट पे की है, तो ऑल प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी व्हाट, कंक्लूडेड। उसके ऊपर फ्यूचर में कोई पेनल्टी, कोई 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 पर्टिकुलर आपको अमाउंट उसके ऊपर एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगी ऐसा नहीं होगा। आगे वापस एक बार आप पकड़े गए कोई चिंता नहीं है। इट दिस प्रोसीडिंग्स आर व्हाट डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, ऑल प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, मतलब इसके ऊपर वापस एक बार आपको फ्यूचर में पेनल्टी भरनी पड़ेगी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एग्जांपल के तौर पे अहमदाबाद से निकले थे मुंबई जाने के लिए एंड रास्ते में एग्जांपल के तौर पे सूरत पकड़े गए एंड सूरत आपने ये पैसा भर दिया, तो मुंबई तो पहुंचाने पड़ेंगे ना गुड्स, मुंबई वो पहुंच रहे थे तो वापस आपको रोका गया, तो वापी में आप क्या बोलेंगे, देखो ये हमारे पास ऑर्डर है, प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, मुझे अभी शांति से जाने दो, अभी वापस एक बार मैं पेनल्टी भरने वाला नहीं हूं। फ्रेंड्स तो एक बार आपने ये पेनल्टी पे कर दी है 121 के हिसाब से, आपने जो भी पेमेंट करना था वो पेमेंट कर दिया है, तो प्रोसीडिंग्स आर व्हाट डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, वापस आपको ईवे बिल बरोबर बनाना पड़ेगा, ऐसे सब माथाकूट नहीं है। इसके ऊपर जो भी पेमेंट था वो आपने प्रॉपरली कर दिया है। फ्रेंड्स तो ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट एज specified under 129 subsection 1 proceedings are deemed to be concluded. Now if amount as specified under 129 subsection 1 jo amount humne discuss ki lagbhag 5-6 bar repeat kar di is not paid within 1/4-14 days to kya hoga, proceedings under section 130 shall be initiated which is what friends confiscation, matlab aapke goods ka department, aapke conveyance ka department kya karne wala hai friends confiscation. To ye confiscation ho gaya matlab ownership transfer ho gayi, bahut severe ho gaya ye consequence, matlab 14 days mein kaise bhi karke manage करके आप गुड्स छुड़ाने के लिए चले ही जाओ, जो नोटिस में लिखा है वो पैसा भर ही दो, अदरवाइज जो फॉरेनर्स में आप नहीं जाते हो, प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो, आपके गुड्स का बोलो क्या कर देंगे फ्रेंड्स कॉन्फिस्केशन। इतना हमको ध्यान रखना है, फॉरेनर्स में टाइम लिमिट कभी-कभी कम भी हो सकती है। आई थिंक प्रोसेस हमारे मन में भी क्लियर है। एक लास्ट टाइम प्रोसेस रिफर करनी हो तो हम पूरे सेक्शन को एक फास्ट फ्लैश में रिफर कर लेते हैं। गुड्स आपके ट्रांजिट में थे, जितनी बार में बोलो उतनी बार फायदा होगा फ्रेंड्स, बरोबर उसको एनकैश करने का ट्राई करो। आपके गुड्स ट्रांजिट में थे तब आपने ट्रांसपोर्टेशन, आपने स्टोरेज किया है विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, तो डिपार्टमेंट आपके गुड्स को रोकेगा, आपके कन्वेंस को रोकेगा एंड इमीडिएटली एक ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और सीजर। जैसे आपको ऑर्डर इश्यू हुआ, ऑर्डर किसको इशू किया जाएगा, पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस को ऑर्डर इशू किया जाएगा। इस ऑर्डर के बाद आपको गुड्स छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा विद इन 1/4-14 days। आप नहीं जाते हो, गुड्स का कॉन्फिस्केशन हो जाएगा, आप गए तो ये 14 से कभी टाइम आपकी कम भी हो सकती है, जब पेरिशेबल होंगे, हैजर्डस होंगे, गुड्स डेप्रिशिएट्स इन वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम, इस तीन सिचुएशन में आपका टाइम 14 से कभी कम भी हो सकता है। छुड़वाने के लिए आप गुड्स जाते हो, ध्यान से, आप गुड्स छुड़वाने के लिए जाते हो तो प्रॉपर ऑफिसर वहां पे बैठा होगा, आपको एक नोटिस इश्यू करेगा, नोटिस में लिखा होगा अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स। कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा जो भी अमाउंट, उसको दो क्लास में क्लासिफाई कर दिया, फर्स्ट इज ओनर ऑफ द गुड्स गया, सेकंड ओनर ऑफ द गुड्स नहीं गया, मतलब ट्रांसपोर्टर गया, सिंपल वर्ड्स में ओनर ऑफ द गुड्स गया तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट इज टैक्सेबल गुड्स, सेकंड इज एग्जेम्प्टेड गुड्स। फर्स्ट इज टैक्सेबल गुड्स, पे 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 पे, कितना पे करूं, एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी व्हिच इज व्हाट 100% ऑफ टैक्स, एप्लीकेबल टैक्स पे करो प्लस पेनल्टी पे करो, 100% ऑफ टैक्स नहीं करना है, आप क्या फर्निश कर सकते हो, सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, अपील में जाना चाहते हो तो। एग्जेम्प्टेड गुड्स होगा, पे 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 पे, कितना पे करूं, इट इज 2% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 क्या करेंगे, व्हिच एवर इज लोअर। ओनर ऑफ द गुड्स नहीं गया, मतलब ट्रांसपोर्टर गया, तो कितना पे करना पड़ेगा, उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टैक्सेबल गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स। टैक्सेबल गुड्स सीवियर पेनल्टी व्हिच इज पे 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 पे, एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी 50% वैल्यू ऑफ गुड्स लेस टैक्स पेड देयर ऑन, जबरदस्त है। एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स में कितना पे करना पड़ेगा, 5% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 क्या करना पड़ेगा, व्हिच एवर इज लोअर। ये पेमेंट जो नोटिस में लिखा था वो अमाउंट का आपने कर दिया, बाद में क्या डिपार्टमेंट इशू करेगा रिलीज ऑर्डर कि आपका ये पेमेंट टैक्स का पेनल्टी का हो चुका है, आप ये गुड्स आपके वापस लेके जा सकते हो, आगे कंटिन्यू आपका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा वेदर You may have your goods released on provisional basis. Absolutely yes. आप चाहो तो आपके goods release करवा सकते हो on provisional basis on payment of applicable tax and penalty. Department आपको opportunity provide करेगा, ये payment आपने tax जो भी amount आपने 121 में specify किया वो आपने pay कर दी है, तो all proceedings are what deemed to be concluded. Next आएगा जो आपने 14 days में payment नहीं किया, जो 121 के हिसाब से आपको pay करना था, तो department क्या कर देगा, उस goods का, उस conveyance का confiscation. 14 days में आपका कम भी हो सकता है friends. Clear? तो this was entire डिस्कशन ऑफ सेक्शन 129। अभी हम उसका करने जा रहे हैं फ्रेंड्स रीडिंग ऑफ सेक्शन 129 सब सेक्शन 1, जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंट सब सेक्शन। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, पता चला सारे प्रोविजन ते लेने के लिए गए, हम ये फॉलो करेंगे, ओवरराइडिंग सेक्शन है पूरे एक्ट को। वेयर एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट्स एनी गुड्स और स्टोर्स एनी गुड्स while they are in a transit, फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है, while they are in a transit, जब वो गुड्स ट्रांजिट में थे,
तब कोई पर्सन ने उसको ट्रांसपोर्ट किया, कोई पर्सन ने उसको स्टोर किया। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, इन शॉर्ट दिस ट्रांसपोर्टेशन दिस स्टोरेज वाइल गुड्स वर इन ट्रांजिट वॉज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस, तो क्या होगा? ऑल सच गुड्स एंड कन्वेयंस, देखा फ्रेंड्स, गुड्स भी गए कन्वेयंस भी गया, ऑल सच गुड्स एंड कन्वेयंस, कन्वेयंस कौन सा? यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर कैरिंग दिस सेड गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू सच गुड्स, वो गुड्स के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, इनवॉइस वगैरह, एंड कन्वेयंस, कन्वेयंस के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, शैल बी लायबल टू डिटेंशन और सीजर। मतलब उस कन्वेयंस के प्लस उसके डॉक्यूमेंट्स का, उस गुड्स का प्लस उसके डॉक्यूमेंट्स का हम क्या करेंगे? डिटेंशन और सीजर। एंड आफ्टर डिटेंशन और सीजर शैल बी रिलीज्ड, उसको बाद में हम रिलीज करेंगे ऑन पेमेंट ऑफ, आई थिंक ये पढ़े उसके पहले, हमारे जो प्रोसेस में हमने पूरा फ्लो डेवलप किया है अकॉर्डिंगली हम पढ़ेंगे, वो बेस्ट रहेगा फ्रेंड्स। फर्स्ट सब सेक्शन का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट नो सच गुड्स और कन्वेयंस शैल बी डिटेन्ड और सीज्ड विदाउट सर्विंग एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और सीजर ऑन द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। मतलब जो भी पर्सन इंचार्ज होगा गुड्स का, उसको हम क्या इश्यू करेंगे? ऑर्डर ऑफ डिटेंशन, ऑर्डर ऑफ सीजर, हमारे प्रोसेस में हम फॉलो करेंगे। रास्ते में आपके गुड्स पकड़े गए, डिपार्टमेंट जो प्रॉपर ऑफिसर होगा इमीडिएट आपको क्या इश्यू करेगा? ऑर्डर ऑफ डिटेंशन, ऑर्डर ऑफ सीजर। बाद में आपको एक नोटिस इश्यू की जाएगी, यहां पे चेक करो, जिसमें अमाउंट स्पेसिफाई की होगी, शैल बी रिलीज्ड ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी। पहले समझने का ट्राई करो, क्या पे करना पड़ेगा तो आपके गुड्स रिलीज हो जाएंगे? तो आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी। तो आपको पे करना है टैक्स प्लस पेनल्टी, कितनी पेनल्टी? इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स पेएबल, मतलब पेनल्टी इज एट द रेट 100% ऑफ टैक्स ऑन सच गुड्स। कब ये आपका पेमेंट होगा टैक्स प्लस पेनल्टी विच इज 100% ऑफ टैक्स, ये पेमेंट कब? जब, सॉरी, एंड इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, एग्जम्प्टेड गुड्स में कितना पे करना पड़ेगा? ऑन पेमेंट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 2% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लोअर। मतलब जो आपके गुड्स एग्जम्प्ट होंगे, ये कब? जब टैक्सेबल गुड्स होंगे तब, ये आपके जब गुड्स टैक्सेबल है तब, इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स आपको कितना पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स? आपको पे करना पड़ेगा इज इक्वल टू 2% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000, क्या करेंगे? विच एवर इज लोअर, कब? जब आपके गुड्स एग्जम्प्ट है तब। मतलब टैक्सेबल गुड्स में पे करो एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स, एग्जम्प्टेड गुड्स में पे करो 2% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लोअर, कब? वेर ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ सच टैक्स एंड पेनल्टी। मतलब जब ओनर ऑफ द गुड्स आता है तब ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। हमारे चार्ट में, आपके पूरे फ्लो में, मगध में जो सेट हुआ है एकदम परफेक्ट मैनर में आप उसको कनेक्ट करते चलो। जब ओनर आता है तब पे करना है टैक्सेबल गुड्स में अलग, एग्जम्प्टेड गुड्स में अलग। टैक्सेबल गुड्स में कितना, लास्ट टाइम बोल दो फटाफट चलो, एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स, एग्जम्प्टेड गुड्स में कितना? 2% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लोअर। बी पॉइंट, ध्यान से, ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू 50% वैल्यू ऑफ गुड्स रिड्यूस्ड बाय टैक्स अमाउंट पेड थेरॉन। मतलब जो आपके गुड्स टैक्सेबल है, मैं यहां पे लिखता हूं फ्रेंड्स, जो आपके गुड्स टैक्सेबल है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स? आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल टैक्स, सॉरी, आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल टैक्स प्लस आपकी पेनल्टी जो होगी वो बहुत सीवियर पेनल्टी होगी, विच इज एट द रेट 50% वैल्यू ऑफ गुड्स एंड उसमें से लेस कर देंगे टैक्स पेड थेरॉन। कुछ आपने उसके ऊपर टैक्स पे किया होगा तो उसको हम लेस कर देंगे। एंड इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 5% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लोअर। तो आपके एग्जम्प्टेड गुड्स होंगे
तो पेमेंट कितना होगा? एग्जम्प्टेड गुड्स में पेमेंट आपका होगा 5% वैल्यू ऑफ गुड्स, और क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ₹25,000। क्या करेंगे सिंपली, विच एवर इज लोअर। आई थिंक सिंपल है फ्रेंड्स, क्लियर। कब ऐसा? वेयर ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ सच टैक्स एंड पेनल्टी। मतलब ये पैसा कब, ये आपका क्वांटम कब, जब ओनर ऑफ द गुड्स नहीं आता है फॉरवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। ओनर ऑफ द गुड्स आया तो ये पेमेंट होगा, ओनर ऑफ द गुड्स नहीं आया तो बी क्लॉज के हिसाब से पेमेंट होगा। चलो नेक्स्ट, अपॉन फर्निशिंग अ सिक्योरिटी। अब समझो, गुड्स शैल बी रिलीज्ड, जो ये पेमेंट करो तो बेस्ट है, चिंता नहीं है, बट अपॉन फर्निशिंग सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू अमाउंट पेबल अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी इन सच फॉर्म सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब जरूर नहीं है ऑल द टाइम कि आप ए क्लॉज में लिखा गया पैसा पे करो तो ही गुड्स रिलीज होंगे, बी मतलब बी क्लॉज में लिखा गया पैसा पे करोगे तो ही गुड्स रिलीज होंगे, सी के हिसाब से, सी क्लॉज के हिसाब से आप सिक्योरिटी फर्निश करेंगे विच इज इन विच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब विच इज फ्रेंड्स बैंक गारंटी। तो बैंक गारंटी के फॉर्म में आप सिक्योरिटी फर्निश कर दोगे तो भी आपके गुड्स का हम क्या करवा सकते हैं, रिलीज। तो तीन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल, मतलब तीन एबीसी अवेलेबल। ओनर ऑफ द गुड्स गया तो टैक्सेबल गुड्स में कितना पे करो, एग्जम्प्टेड गुड्स में कितना पे करो, बी पॉइंट। ओनर ऑफ द गुड्स नहीं गया तो टैक्सेबल गुड्स में कितना कितना पे करो, एग्जम्प्टेड गुड्स में कितना पे करो, पॉइंट नंबर सी इज रिलीज ऑफ गुड्स ऑन फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। क्लियर। चलो उसका प्रोविजन तो हमने पढ़ लिया कि ऑर्डर आपको इश्यू करना होगा फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट। अब पहले जब भी आपका मतलब जैसे आपका डिटेंशन होगा, डिपार्टमेंट क्या इशू करेगा आपको, ऑर्डर ऑफ डिटेंशन, ऑर्डर ऑफ सीजर। क्लियर। नेक्स्ट चेक करो, सबसेक्शन 3, वो नोटिस वाला जो पॉइंट था ना, जैसे आपका गुड्स का ये ऑर्डर इश्यू हुआ, जैसे गुड्स का डिटेंशन सीजर का ऑर्डर इश्यू हुआ, उसके बाद आपको नोटिस दी जाएगी, नोटिस में क्या लिखा होगा, ये अमाउंट टू बी पेड, तो वो सबसेक्शन 3 में है। चेक करो, द प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीजिंग गुड्स। मतलब आप चेक करो, तो जैसे गुड्स का सीजर हुआ, डिपार्टमेंट ऑर्डर इश्यू करेगा, ऑर्डर के बाद सबसेक्शन 3 पिक्चर में आएगी। द प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीजिंग गुड्स और कन्वेंस शैल इश्यू अ नोटिस। मैं बीच में नोटिस ढूंढ रहा था बट अभी मुझे मिल गई नोटिस। तो डिपार्टमेंट क्या इश्यू करेगा आपको, नोटिस स्पेसिफाइंग द टैक्स एंड पेनल्टी पेबल। तो डिपार्टमेंट का जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो आपको जो भी नोटिस इश्यू करेगा उसमें लिखा होगा व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स यू आर रिक्वायर्ड टू पे, व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी यू आर रिक्वायर्ड टू पे, एंड देन आफ्टर। उसके बाद आपने जब पेमेंट कर दिया, नोटिस में कितना पेनल्टी लिखा होगा वो हमको पता है, एज पर 129 सबसेक्शन 1, मतलब 129(1) में जो पेनल्टी लिखी गई है और अमाउंट टू बी पेड लिखा गया है वो नोटिस में मेंशन किया होगा। एंड देन आफ्टर पास ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये कौन सा होगा, रिलीज ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी और क्लॉज सी। क्लॉज ए हमको पता चल चुका है, ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड, बी क्लॉज ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, सी क्लॉज इज फर्निशिंग सिक्योरिटी। आई थिंक मगज में एकदम पिक्चर क्लियर हो चुका है, रिलीज ऑर्डर तक अभी हम पहुंच चुके हैं। सबसेक्शन 2, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 67 सबसेक्शन 6। व्हाट इज 67 सबसेक्शन 6, इट इज चैप्टर इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, जिसका रेफरेंस मैंने आपको दे दिया, विच इज प्रोविजनल रिलीज ऑफ सीज्ड गुड्स। इट इज प्रोविजनल रिलीज ऑफ सीज्ड गुड्स शेल एज इट इज मुटाटिस मुटांडिस, मतलब एज इट इज सेम टू सेम अप्लाई फॉर डिटेंशन एंड सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वेयंस। मतलब ये प्रोविजन एज इट इज आपको एप्लीकेबल होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर डिटेंशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेयंस। मतलब वहां पे लिखा गया है कि आप एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी पे कर देंगे तो आपके गुड्स को हम प्रोविजनल बेसिस के ऊपर रिलीज कर सकते हैं, जो रेफरेंस मैंने आपको हमारी समरी नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कर दिया कि वो गुड्स आपके रिलीज हो सकते हैं ऑन प्रोविजनल बेसिस ऑन एप्लीकेबल ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी। सबसेक्शन 4, अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, नो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी शैल बी डिटरमाइंड अंडर 129 सबसेक्शन 3। 129(3) में जो आपको नोटिस इश्यू की जाएगी एंड उसमें जो अमाउंट लिखी जाएगी वो विदाउट गिविंग पर्सन कंसर्न एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट। उसको पूछेंगे भैया तकलीफ तो नहीं है ना, तकलीफ तो तेरी तकलीफ है, उसमें कुछ खास कर सकते नहीं है। नेक्स्ट आएगा सबसेक्शन 5,
ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट रिफर टू इन 129 सबसेक्शन 1, 1 में जो लिखी थी अमाउंट वो आपने पे कर दी, ऑल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिस स्पेसिफाइड इन 129 सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 में आपको नोटिस इश्यू की गई, शैल बी डीम्ड टू बी व्हाट कंक्लूडेड, वो नोटिस के बाद जो आपने पेमेंट कर दिया है तो प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। वापस आप आगे जाके पकड़े जाते हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऑलरेडी उसके ऊपर आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया है, गुड्स आपके छूट चुके हैं, ऑन ऑल द प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड ऑन द पर्टिकुलर गुड्स। नेक्स्ट आएगा सबसेक्शन 6, ध्यान से, वेयर पर्सन ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स और ओनर ऑफ द गुड्स फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी एज प्रोवाइडेड अंडर 129 सबसेक्शन 1, जो आपने 129 के हिसाब से पेमेंट नहीं किया है तो क्या होगा, विद इन 14 डेज ऑफ सच डिटेंशन और सीजर तो क्या होगा, जैसे मैंने डिस्कस किया 14 डेज में आपको पेमेंट कर देना है, बट सपोज पेमेंट आपका नहीं होता है तो क्या होगा, फर्दर प्रोसीडिंग्स शैल बी इनिशिएटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 130 विच इज व्हाट फ्रेंड्स, इसके बाद की सेक्शन विच इज कॉन्फिस्केशन आपके गुड्स का, हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फिस्केशन, गुड्स गए, ओनरशिप आपके हाथों से गई। ओके सर, बाद में क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन, 130 का आने वाला है, चिंता ना करो। प्रोवाइडेड दैट वेर डिटेन्ड और सीज गुड्स आर पेरिशेबल और हैजार्डियस इन नेचर और आर लाइकली टू डेप्रिशिएट इन वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम, तीन टाइप के गुड्स, पेरिशेबल थे नंबर 2, हैजार्डियस थे नंबर 3, नेचर ऑफ गुड्स ऐसे थे विच आर लाइकली टू डेप्रिशिएट इन वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम। द सेड पीरियड ऑफ एक्चुअली अमेंडमेंट आ चुका है विच इज 1/4 14 डेज, ये 7 डेज प्रिंटिंग एरर है, इट इज अमेंडेड टू 14 डेज नाउ, मे बी रिड्यूस्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, ये टाइम लिमिट आपका 14 डेज का कम भी हो सकता है फ्रेंड्स, क्लियर। तो अभी हमारे मन में एकदम पिक्चर क्लियर है इन रिलेशन टू सेक्शन 129, सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम परस्पेक्टिव आपको याद रखना होगा वो ये पर्टिकुलर चार्ट फ्रेंड्स, जो अमाउंट आपको पे करनी होगी फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 1, इतना आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्लियर। मम्मी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे इस 129 के ऊपर, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, उसके पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन, एंड वो प्रैक्टिस क्वेश्चन के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो हमारे वहां पे आया है फ्रेंड्स, गजब। फ्रेंड्स हमने ऐसा डिस्कस किया, देखो ऐसा जनरल डाउट लोगों के मन में आ जाता है, आपके मन में आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं है, बट फ्रेंड्स यहाँ पे बात की ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड, चेक करो फ्रेंड्स कितना जोरदार वर्ड इस्तेमाल किया, ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड, वेर वेर, ये देखो ये वर्ड्स रहे, वेर ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड। फ्रेंड्स ओनर किसको मानो, सप्लायर को ओनर मानो कि रेसिपिएंट को ओनर मानो, मेरे वहां से गुड्स निकल चुके थे आपके वहां पे गुड्स पहुंचने वाले थे, मैं सप्लायर आप रेसिपिएंट, मेरे वहां से गुड्स निकल चुके थे आपके वहां पे गुड्स पहुंचने वाले थे, ओनर कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओनर कौन, सप्लायर के रेसिपिएंट, इसके लिए क्लेरिफिकेशन आया, पर क्लेरिफिकेशन में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि ओनर कौन, अब चेक करो फ्रेंड्स, इट हैज बीन क्लेरिफाइड वाइड सर्कुलर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो दैट इफ इनवॉइस और एनी अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, इफ इनवॉइस और इसका चार्ट बनाऊंगा मैं पहले, उसके पहले समझ लो, इफ इनवॉइस और एनी अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट इज एकॉम्पनिंग द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, मतलब आपका जो गुड्स का कंसाइनमेंट था उसके साथ इनवॉइस के अदर को डॉक्यूमेंट ए कंपनी करता है, ए कंपनी होता है तो क्या होगा, देन देखो सर्कुलर है क्लेरिफिकेशन के लिए आना चाहिए बट उसके खुद में ही क्लेरिफिकेशन नहीं है, देन आइदर कंसाइनर और कंसाइनी शुड बी डीम टू बी ओनर, मतलब कंसाइनर के कंसाइनी विल बी डीम टू बी दी ओनर, तो कौन पण ओनर, तो हमको नहीं पता ओनर कौन। नाउ If invoice or any other specified document is not accompanying the consignment of goods, मतलब आपके consignment के goods के साथ जो invoice accompany होता है, other document accompany होता है, तो क्या? तो कि consignor के consignee will be deemed to be owner, but accompany ना होता हो तो then in such cases the proper officer should determine who should be declared as the owner of the goods, तो कौन declare करेगा owner कौन है, proper officer declare करेगा owner कौन है, in short circular में clarification नहीं है कि owner कौन, मेरा मानना क्या है, जो friends मेरे वहां से goods निकल चुके हैं, मैंने आपको बोल दिया risk and reward यहां पे transfer हो चुका है, तो आप उसके owner, रिस्क एंड रिवॉर्ड जो एलिमेंट के ऊपर जो मोमेंट के ऊपर ट्रांसफर होता है वहां से ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, मैंने बोला था मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके तक गुड्स पहुंचाने की, सेल्स इंडिया से मैंने टीवी परचेस किया तो सेल्स इंडिया को मैंने बोला घर पे टीवी इंस्टॉल हो जाना चाहिए, तो नाउ सेल्स इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू माई होम, तो जब तक गुड्स मेरे वहां तक नहीं पहुंचते हैं सेल्स इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, रिस्क एंड रिवॉर्ड घर पे ट्रांसफर होगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं मोबाइल शॉप से मोबाइल लेके निकला तो मोबाइल शॉप के ऊपर ही रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, वहां पे रेसिपिएंट ओनर बन गया, मतलब मोमेंट शुड बी रिस्क
सॉरी मोमेंट शुड बी जहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है वो मोमेंट के ऊपर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो मेरा मानना क्या है, जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके वहाँ पे गुड्स पहुंचाने की, तो मैं ओनर। आप मेरे वहाँ पे ट्रक लेके आए थे, आप मेरे वहाँ पे कन्वेंस लेके आए थे, मैंने बोला ये लो गुड्स सब बरोबर है, पेमेंट हो चुका, इनवॉइस इशू हो चुका, तो नाउ यू विल बी दी ओनर। रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है फ्रेंड्स, क्लियर। बट सर्कुलर है, थोड़ा ध्यान में रखने जैसा है। एग्जाम परस्पेक्टिव मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हमारी मम्मी पूछेगी, बिकॉज इसमें कुछ ठिकाना नहीं है फ्रेंड्स। चार्ट बना तो बना सकते हैं, इनवॉइस और अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, मतलब डिलीवरी चरण कैसा कुछ भी फ्रेंड्स, अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एकम्पनिंग द गुड्स नॉट एकम्पनिंग द गुड्स, बरोबर समझने का ट्राई करो। फर्स्ट केस में क्या आएगा, इज एकम्पनिंग द गुड्स, एकम्पनिंग द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, यहां पे आएगा फ्रेंड्स नॉट एकम्पनिंग द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, चलो फर्स्ट केस जो भी होगा फ्रेंड्स, इफ इट इज एकम्पनिंग द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स तो क्या होगा, कंसाइनर कंसाइनर शैल बी डीम्ड टू बी ओनर। सो फ्रेंड्स कंसाइनर और कंसाइनी शैल बी डीम्ड टू बी ओनर, एंड यहां पे इफ इट इज नॉट ए कंपनी, मतलब इनवॉइस इज नॉट ए कंपनी द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, तो क्या होगा, पो शैल डिटरमाइन द ओनर ऑफ द गुड्स, गुड्स का ओनर कौन वो पो नक्की करेगा, प्रॉपर ऑफिसर नक्की करेगा फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये सर्कुलर था जो हमारे 129 के ओनरशिप को थोड़ा क्लैरिफाई करता है और क्लैरिफाई नहीं करता है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर फ्रेंड्स हमारे पास है, इट इज नीचे पेज नंबर रह गए फ्रेंड्स लिखने के लिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर फोकस करना, 5 के बाद 7 के पहले। अ ट्रक कंटेनिंग कैलकुलेटर्स ऑफ मिस्टर ए वैल्यूइंग रुपीज 50 लाख, IGST पेबल 18% के हिसाब से रुपीज 9 लाख, तो गुड्स की वैल्यू थी 50 लाख, IGST उसके ऊपर 18% के हिसाब से 9 लाख रुपीज था, आर रिमूव्ड विदाउट इनवॉइस, तो उसका रिमूवल था विदाउट इनवॉइस, सच गुड्स आर सीज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एक तो सीज्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वाइल दे आर इन ट्रांजिट, जब वो गुड्स ट्रांजिट में थे तब उसका सीजर होता है, मतलब ये पॉइंट ट्रिगर करता है सेक्शन 129, जब गुड्स ट्रांजिट में थे तब उसको आइडेंटिफाई किया गया। कैलकुलेट पेनल्टी पेएबल, देखो पूछा क्या है, अब लिख के क्या हो गया, दोनों में अंतर ना हो जाए, कैलकुलेट पेनल्टी पेएबल फॉर रिलीज ऑफ कैलकुलेटर्स, कितना पेनल्टी पेएबल आएगा इफ ए ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स, इफ मिस्टर ए ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स, क्लियर। चलो चेक करते हैं पेनल्टी आपकी कितनी पेएबल आने वाली है, तो फ्रेंड्स यहां पे आपकी पेनल्टी कितनी होगी, पेनल्टी वुड बी अंडर सेक्शन 129 सब सेक्शन 1, ए केस में पेनल्टी कितनी आएगी फ्रेंड्स, पेनल्टी विल बी ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड, देखो ये है ना फ्रेंड्स टैक्सेबल गुड्स है बिकॉज उसके ऊपर IGST पेबल है, ओनर ऑफ द गुड्स आया पहले केस में टैक्सेबल गुड्स थे, कितनी पेनल्टी, इट वॉज 100% ऑफ टैक्स, तो पेनल्टी मेरी होगी फ्रेंड्स 100% ऑफ टैक्स, मीनिंग दैट बाय मेरी पेनल्टी कितनी होगी रुपीज 9 लाख, मेरा टैक्स है 9 लाख रुपीज का, तो उसके ऊपर पेनल्टी भी कितनी होगी रुपीज 9 लाख फ्रेंड्स, क्लियर। सेकंड केस में व्हाट वुड बी माय अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, देखो ओनर ऑफ द गुड्स आया टैक्सेबल गुड्स एग्जम्प्टेड गुड्स, एग्जम्प्टेड गुड्स हमको पता है 2% वैल्यू ऑफ गुड्स और रुपीज 25,000 व्हिच एवर इज लोअर, बट ओनर ऑफ द गुड्स फॉरवर्ड नहीं आता है तो कितना पे करना पड़ेगा, पेनल्टी वुड बी 50% वैल्यू ऑफ गुड्स, यहाँ पे पेनल्टी होगी फ्रेंड्स इफ ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, तो 50% वैल्यू ऑफ गुड्स, 50% वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो, इट इज 50 लाख, तो गुड्स की वैल्यू जो 50 लाख हो चुकी है उसका आपको 50% पे करना पड़ेगा, मीनिंग दर बाय रुपीज 25 लाख विल बी योर अमाउंट ऑफ पेनल्टी दैट वी आर रिक्वायर्ड टू पे, बोलो क्लियर डन। बट फ्रेंड्स मुझसे
रहा नहीं जाता है, पूरी अमाउंट कंप्यूट कर ही देते हैं, व्हाट अमाउंट वी नीड टू पे फॉर रिलीज ऑफ गुड्स। क्लियर? तो पूछा है इतना ही, आंसर आपको एग्जामिनेशन में इतना ही लिखना है। पहले प्रोविजन लिखो, बाद में लेटर से फैक्ट्स लिखो कि इस केस में ऐसा हुआ है, बाद में कंक्लूजन, ऐसा आपको प्रेजेंटेशन ध्यान में रखना है। बट हम डिस्कस कर लेते हैं अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स, कितना पैसा आपको भरना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स, वो भी कहाँ पे डिस्कस हुआ है, सेक्शन 129 सब सेक्शन 1। एक केस में कितना पे करना पड़ेगा, तो के एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी विच इज 100% ऑफ टैक्स। मतलब यहाँ पे करना पड़ेगा मेरा एप्लीकेबल टैक्स, एप्लीकेबल टैक्स कितना था मेरा फ्रेंड्स, 9 लैक्स का मेरा एप्लीकेबल टैक्स था, तो मुझे पे करना पड़ेगा अमाउंट टू बी पेड, यहाँ पे लिख देता हूँ, पे इज इक्वल टू 9 लाख रुपीज़ एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी जो आगे मैंने कंप्यूट की है विच इज 100% ऑफ टैक्स, मीनिंग दर बाय मुझे पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स 18 लैक्स ऑफ रुपीज़ फॉर दी पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स। ठीक है, नंबर बी आएगा फ्रेंड्स, इफ ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, तो मुझे पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी विच इज 50% वैल्यू ऑफ गुड्स लेस टैक्स पेड देयर ऑन फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स। तो मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा, मुझे पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल टैक्स, मतलब ये मेरा हो गया 9 लैक्स ऑफ रुपीज, प्लस मुझे पे करना पड़ेगा 50% वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी माई पेनल्टी लेस टैक्स पेड देर ऑन। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं कि कुछ टैक्स का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका होता, जो हो चुका होता तो हम यहाँ से लेस कर देते, माइनस यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, मतलब 25 लैक्स प्लस 9 लैक्स कम्स टू फ्रेंड्स 34 लैक्स का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स। बोलो सिंपल है, चार्ट के ऊपर ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपके मम्मी मतलब हमारी मम्मी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगी फ्रेंड्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ ट्रक कंटेनिंग एग्जम्प्टेड गुड्स, ओ एग्जम्प्टेड गुड्स की बात आई, ट्रक कंटेनिंग एग्जम्प्टेड गुड्स ऑफ मिस्टर ए वैल्यूंग ₹5,050,00, ऑब्वियस उसका कोई टैक्स तो होने वाला नहीं है फ्रेंड्स, विदाउट इश्यू ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स आपको शायद पता होगा टैक्सेबल सप्लाई के लिए हम जो डॉक्यूमेंट इश्यू करते हैं वो क्या होता है, पता है, टैक्स इनवॉइस। एंड एग्जम सप्लाई के लिए जो डॉक्यूमेंट हम इश्यू करेंगे वो क्या होगा, बिल ऑफ सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस, एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए हम क्या इश्यू करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। सच गुड्स आर सीज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट, तो ये एक सीजर वर्ड एक इन ट्रांजिट से पता चलता है कि सेक्शन 129 यहां पे अट्रैक्ट होने वाली है। कैलकुलेट पेनल्टी पेएबल फॉर रिलीज ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, यहाँ पे आपको पेनल्टी कंप्यूट करनी है, यहाँ पे एप्लीकेबल टैक्स होता ही नहीं है, तो वही पेनल्टी अमाउंट टू बी पेड हो गई फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स फ्रेंड्स। क्लियर? चलो कितना पेनल्टी आपको पे करना होगा, तो आपको यहाँ पे पेनल्टी पे करना है, मतलब अमाउंट टू बी पेड, पेनल्टी और अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स, इट इज अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स, कितना पैसा आपको भरना पड़ेगा। अगेन उसका आंसर कहाँ पे छुपा हुआ है, सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 नंबर ए, इफ मिस्टर ए ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स, मतलब ए ओनर उसका आता है फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स उसको छुड़वाने के लिए, तो हमको पे करना पड़ेगा 2% वैल्यू ऑफ गुड्स फ्रेंड्स। नाउ जो हमारी गुड्स की वैल्यू है वो कितनी है फ्रेंड्स, 50 लैक्स ऑफ रुपीज हमारी गुड्स की वैल्यू है, उसका 2% कर देता हूं मैं, उसका 2% कितना होगा, ₹1,00,000, मतलब यहां पर लिख देता हूं ₹1,00,000 विच इज 2% वैल्यू ऑफ गुड्स, और क्या करेंगे फ्रेंड्स ₹25,000 और ₹25,000, फाइनली हमारा आंसर क्या आता है फ्रेंड्स, विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम ₹25,000 के ऊपर ही अमाउंट पेबल आ सकता नहीं है फ्रेंड्स, तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, ₹, ऑब्वियसली 25,000। क्लियर? चलो बी केस में क्या आएगा, बी केस में आएगा फ्रेंड्स, इफ मिस्टर ए ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स, ए में क्या हुआ था, इफ मिस्टर ए कम्स फॉरवर्ड तो कितना पे करना पड़ेगा, 2% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लोअर, यहां पे कितना पे करना पड़ेगा, ओनर नहीं आता है तो 5% वैल्यू ऑफ गुड्स, हमारी गुड्स की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 5,050 लैक्स, उसका 5% करो तो आंसर आएगा 2,50,000, मतलब आपको पे करना होगा 2,50,000 विच इज 5% वैल्यू ऑफ गुड्स, और क्या करेंगे ₹25,000, फाइनली क्या होगा फ्रेंड्स, विच एवर इज लोअर, बोलो व्हाट ऑब्वियसली सीम्स टू बी लोअर इज फ्रेंड्स ₹25,000, इतना आपको पे करना होगा फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स, ये हमारी पेनल्टी, ये अमाउंट टू बी पेड अंडर 129 सबसेक्शन 1। क्लियर? चार्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा 99.100% फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द इंपैक्ट इफ ट्रांसपोर्टर और ओनर ऑफ द गुड्स नॉट पेज द अबव अमाउंट विद इन 14 डेज ऑफ डिटेंशन और सीजर,
जो पेमेंट 14 डेज में नहीं होता है तो क्या होगा, जो पेमेंट 14 डेज में नहीं हुआ तो प्रोसीडिंग्स विल बी इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 130 विच इज व्हाट फ्रेंड्स, कॉन्फिस्केशन, मतलब आपके गुड्स का बाद में डिपार्टमेंट क्या कर देगा, कॉन्फिस्केशन। तो ये सीवियर कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करने के लिए रेडी होना पड़ेगा, कॉन्फिस्केशन तक ये बात पहुंच सकती है फ्रेंड्स। वेदर गुड्स कन्वेंस सीज कैन बी रिलीज ऑन प्रोविजनल बेसिस, एब्सोल्युटली यस। जो प्रोविजन 67 सबसेक्शन 6 के थे, विच वॉज ऑफ, मतलब ये सेक्शन किस चैप्टर को बिलोंग करती है, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, वो सारे के सारे प्रोविजन मुटाटिस मुटांडिस यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाले हैं। आप रिलीज करवा सकते हो गुड्स ऑन प्रोविजनल बेसिस, बट ऑन पेमेंट ऑफ, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, बट ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी फंड्स। क्लियर, प्रोविजंस यहाँ पे रेफरेंस आएगा 67 सबसेक्शन 6 आर एज इट इज एप्लीकेबल, बोलो क्लियर। तो इस क्वेश्चन को हमने एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन कंसिडर किया, आओ अभी चेक करते हैं मम्मी ने आज तक क्या पूछा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आईसीआई क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2, देखो मैंने अलग ही सेक्शन मतलब सेगमेंट रखा है आईसीआई क्वेश्चंस, तो आपके रेफरेंस के लिए आपको काम आए, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 चार मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन। एक्स वाई जेड कैरीज गुड्स फ्रॉम वडोदरा टू पुणे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वडोदरा टू पुणे। The value of goods is rupees 80,000, which are chargeable to tax at the rate 18% IGST and in transit. फ्रेंड्स ये ट्रांजिट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 129 को ट्रिगर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट। प्रॉपर ऑफिसर इंटरसेप्टेड, रोका गया दिस सेम गुड्स को रोका गया अंडर सेक्शन 68, ईवे बिल की पावर सेक्शन है 68 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड फाउंड कॉन्ट्रावेंशन, पता चला कुछ कॉन्ट्रावेंशन है। कैलकुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वापस से मैं रिपीट करूंगा, पेनल्टी जो पूछा है वही एग्जाम में लेके आने का, नो डॉट अपॉन। पेनल्टी पेबल अंडर सेक्शन 129 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, तो वॉट वी नीड टू कंप्यूट इज पेनल्टी अंडर सेक्शन 129। इफ एक्स वाई जेड कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, इफ एक्स वाई जेड डज नॉट कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, आई थिंक वर्ल्ड का सिंपलेस्ट क्वेश्चन अभी आपके लिए हो गया। तो नंबर ए डिस्कस करते हैं, इफ एक्स वाई जेड कम्स फॉरवर्ड तो हमारी पेनल्टी कितनी होगी, हमारी पेनल्टी होगी अंडर सेक्शन 129, बोलो कितना होगा। इट इज फ्रेंड्स हमको पता है हमारी पेनल्टी कितनी होगी, 100% ऑफ टैक्स, मतलब सिंपल वर्ड्स में आप 80,000 का कितना करना पड़ेगा, 18%, 18,000 का 18% कितना हो गया 14400, which is friends 100% of tax is my applicable penalty। इतना लिखने के अब मम्मी हमारी देती है आपको 2 marks, कितना सिंपल। नंबर बी, if owner of the goods does not comes forward तो पेनल्टी आपकी वापस एक बार वही सेक्शन में होगी अंडर सेक्शन 129, लिखना तो लिख सकते हो सब सेक्शन 1 ऑल्सो, मैंने यहाँ पे 129 लिखा है तो डॉट अपन क्यों करें, लेट इट बी 129 ओनली। पेनल्टी कितनी होगी, इट वुड बी 50% वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स की वैल्यू कितनी है 80,000, उसका 50% आपको पे करना पड़ेगा 40,000 फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स। यहाँ पर लिख देता हूँ 50% वैल्यू ऑफ गुड्स, बोलो क्लियर। टाइम पास क्वेश्चन, ओनर आया तो पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स, ओनर नहीं आया तो पेनल्टी 50% वैल्यू ऑफ गुड्स। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन मम्मी ने पूछा हुआ, क्वेश्चन नंबर 9, 5 marks के लिए, 129 के ऊपर वापस एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड, देखो एक बार पेनल्टी पूछी, एक बार क्या पूछने जा रहे हैं मम्मी, अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स डिटेन्ड और सीज्ड अंडर सेक्शन 129, तो वॉट अमाउंट यू आर रिक्वायर्ड टू पे आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी। इफ ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी, मतलब सिचुएशन भी हमको दे दी गई, इफ ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, डिटेल्स आर एज फॉलोज, वैल्यू ऑफ गुड्स इज अवेलेबल टू अस, एप्लीकेबल जीएसटी इज अवेलेबल टू अस, जीएसटी ऑलरेडी पेड ऑन सच गुड्स इज अवेलेबल टू अस, तो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। वॉट वुड योर आंसर विल बी डिफरेंट, तो पहले ऊपर का आंसर कंप्यूट कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलो आंसर ए, इफ ओनर ऑफ द गुड डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, सेक्शन कौन सी एप्लीकेबल होगी, 129 सबसेक्शन 1, कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, तो लिखना होगा अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स, तो कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा फॉर रिलीज ऑफ गुड्स, आपको पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी विच इज एट द रेट 50% वैल्यू ऑफ गुड्स, उसमें से लेस कर देंगे
टैक्स पेड थेर ऑन, तो ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स। तो चलो, व्हाट इज माय एप्लीकेबल टैक्स, इन्फॉर्मेशन से चेक करो, ये तो वैल्यू ऑफ गुड्स है। एप्लीकेबल जीएसटी ऑन सच गुड्स, तो व्हाट अमाउंट ऑफ जीएसटी आई एम रिक्वायर्ड टू पे इज रुपीज फ्रेंड्स 5,40,000। तो एप्लीकेबल टैक्स वुड बी 5,40,000, दिस अमाउंट ऑफ जीएसटी आई एम रिक्वायर्ड टू पे फ्रेंड्स। प्लस आएगा 50% वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी है 30 लाख रुपीज, उसका 50%, मीनिंग जब कितना आएगा 1,515,00,000। तो आई नीड टू पे 50% वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर रिलीज ऑफ गुड्स एंड लेस टैक्स पेड दर ऑन, तो ऑलरेडी जीएसटी उसके ऊपर कितना हमने पे कर दिया था, उसके ऊपर का जीएसटी हमने पे कर दिया था 360,000, वापस एक बार मुझे उसको पे करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर। तो उस इंटेंशन से उसको हम यहाँ से लेस करते हैं कि 360 वापस एक बार मैं क्यों पे करूँ, ऑलरेडी जब उसके ऊपर मैंने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो तो वापस हमको उसको पे करने की जरूरत नहीं है। तो 360 हमने यहाँ से लेस कर दिया, मीनिंग दर बाय 540 इज एप्लीकेबल टैक्स, प्लस पेनल्टी होगी 50% वैल्यू ऑफ गुड्स, जो 30 लाख का 50% 15 लाख रुपीज कर दिया, उसमें से ऑलरेडी जो टैक्स पेड था वो हमने लेस कर दिया, मतलब 5,40,000 प्लस कर देंगे 1,515,00,000, माइनस कर देंगे 3,60,000, आंसर कितना आएगा 16,80,000, 1,680, 16,80,000 इज अमाउंट टू बी पेड फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स। इतना लिखने के लिए मम्मी 5 में से कुछ ना कुछ मार्क तो देगी, बिकॉज नीचे और भी कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चेक करो। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ गुड्स वर एक्सम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी एंड वैल्यू रिमेन्स द सेम रुपीज 30 लाख्स? बोलो, गुड्स एग्जम्प्ट हो तो आंसर सेम रहेगा, ऑब्वियसली ना, आंसर में चेंज आ जाएगा। थोड़ी जगह मेरे पास कम है, पर आप एडजस्ट कर लो। कितना मुझे पे करना पड़ेगा, वापस एक बार लिख देता हूँ, सेक्शन 129 सब सेक्शन 1, कितना मुझे पे करना पड़ेगा, मुझे पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स 5% वैल्यू ऑफ गुड्स और रुपीज 25,000 विच एवर इज लोअर। तो मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख देता हूँ, 30 लाख उसकी गुड्स की वैल्यू थी, तो 30 लाख कम कर देंगे फ्रेंड्स 5%, विच इज फ्रेंड्स रुपीज पे करो, कितना पे करो रुपीज 1,50,000 और क्या करेंगे रुपीज 25,000, फाइनली क्या होगा विच एवर इज लोअर, मतलब जो गुड्स मेरे एग्जम्प्ट है तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा रुपीज 25,000 फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स। बोलो क्लियर। तो दिस वॉज इन डेप्थ डिस्कशन, एंटायर डिस्कशन ऑफ सेक्शन 129। तो जो भी हमने अब तक डिस्कस किया, आज का डिस्कशन था 127, 128 एंड 129। 127 याद करो कितनी छोटी सेक्शन बिचारी, नो डबल पेनल्टी। ओके, नेक्स्ट वॉज सेक्शन 128 के बाद, सॉरी 127 के बाद इट वॉज 128 विच इज पावर टू वेव, डिपार्टमेंट के पास पावर्स है टू वेव योर पर्टिकुलर पेनल्टी इंक्लूडिंग लेट पेमेंट फीस अंडर सेक्शन 47। एंड लास्ट था इट इज इन रिलेशन टू सेक्शन 129 विच इज अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, क्लियर। तो आज तक हमने जो भी सेक्शन डिस्कस की उसका एक फास्टेस्ट रिकैप्चुलेशन हो जाए तो फ्रेंड्स मजा आ जाए। देखो पूरा इनडेप्थ डिस्कशन तो नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में करेंगे, पर सेक्शन कौन सी रिफर की एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं सेक्शन 122। बोलो 122, अलग अलग तीन सबसेक्शन थी, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। 122 सबसेक्शन 1 टैक्सेबल पर्सन को, सबसेक्शन 2 रजिस्टर्ड पर्सन को, सबसेक्शन 3 एनी पर्सन को। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 123 अलॉन्ग विद रेफरेंस ऑफ सेक्शन 150 विच इज व्हाट फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन रिटर्न। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 124 इसका रेफरेंस अगेन विद सेक्शन 151 विच इज स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 125 विच इज जनरल पेनल्टी। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 126 विच इज जनरल डिसिप्लिन, दो जनरल है, जनरल पेनल्टी भी है जनरल डिसिप्लिन भी है। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 127 विच इज नो डबल पेनल्टी, 62, 63, 64, 73, 74, 129 अभी डिस्कस किया, 130 में जो आपका प्रोसीडिंग चल रहा हो तो यहाँ पे पेनल्टी इंपोज होने वाली नहीं है। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 128 विच इज पावर टू वेव। नेक्स्ट आएगा 129 गुड्स इन ट्रांजिट। बोलो क्लियर, होपफुली सब कुछ आपको पता चल रहा है। कोई भी डाउट हो, मैंने पहले भी व्हाट्सएप नंबर दिया है मेरा, आप वापस एक बार उसको लिख सकते हो। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर के ऊपर फ्रेंड्स मुझे क्लेरिफाई करेंगे तो मैं उसका रीजनेबल टाइम आपको रिवर्ट कर दूंगा। क्लियर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे अच्छे डाउट आ ही रहे हैं, उसको सॉल्व भी करता हूं फ्रेंड्स। वापस एक बार डाउट आते हैं, सर इसमें और कोई डाउट हो तो क्या, तो मुझे फ्रेंड्स अच्छी फीलिंग आती है कि आप एग्जैक्ट प्रोविजंस को समझ रहे हो, जो मैं कंटेंट आपको डिलीवर करना चाहता हूं उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर रहे हो फ्रेंड्स। क्लियर, तो कोई भी डाउट हो आप इस नंबर के ऊपर मुझे भेज सकते हो, कोई टेंशन मत करना फ्रेंड्स। एंड होपफुली आपका टाइम जो अभी आप इन्वेस्ट करो वो बहुत अच्छा जा रहा होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।